स्टूडेंट्स मित्रों, आपके इस चैप्टर में मैं पहली बार आया हूँ। आपके मुंबई चैप्टर में मैं कई बार जा चुका हूँ, वहाँ कई मेरे व्याख्यान भी हुए हैं। विशेष रूप से WTO के प्रश्न पर बहुत सारे लेक्चर्स मैंने लिए। दिल्ली ब्रांच में भी हुए हैं, मद्रास में भी हुए, बेंगलोर में हुए, नागपुर में पहली बार आया। आप सबका आभारी हूँ, आपने ये आयोजन किया। मेरे साथ मंच पर बैठे हुए श्री मिलिंद पटेल, दुल्फेश शाह, सुधीर सुराना और श्री रिश्वत जी का बहुत आभारी हूँ से वो मेरे साथ हैं। मुझे आपसे कुछ भारत देश की बदलती हुई अर्थव्यवस्था के बारे में छोटी छोटी बातें करनी है। 45 मिनट में बात करूँगा, उसके बाद हम चाहें तो क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे। आप चाहें तो कुछ मुझे सजेशन भी दे सकते हैं, कुछ आपके पास हो मुझे बताने लायक तो वो भी दे सकते हैं, मैं तो अपनी बात से सुनूंगा। अभी आप सब जान रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से हमारे देश की सरकार ये तैयारी कर रही है कि भारत में 300 के आसपास 300 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स खोले जाएं और हजारों की संख्या में शॉपिंग मॉल्स बनने का होगा। दुनिया में कुल मिलाकर 400 के आसपास इकोनॉमिक जोन्स हैं, कुल मिलाकर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स थी, उसमें भारत में ही 300 खोलने की तैयारी। और शॉपिंग मॉल्स हमारे देश में हजारों की संख्या में खुले जाने की बिल्कुल तैयारी हो चुकी है, कुछ खुल चुके हैं, कुछ आने वाले समय में बहुत तेजी से खुलने वाले हैं। इन शॉपिंग मॉल्स को खोलने के लिए भारत की कुछ कंपनियां हैं जो रात दिन काम कर रही हैं, जैसे रिलायंस है, और एक दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी भी भारत में आने जा रही है, वॉलमार्ट। उनका सुनील मित्तल जी से एग्रीमेंट हो गया भारतीय ग्रुप के साथ। वॉलमार्ट ने अनाउंस किया है कि 3000 शहरों में वो अपने शॉपिंग मॉल्स खोलेंगे, उसमें से नागपुर भी एक है। ये जो शॉपिंग मॉल्स होते हैं यूरोप और अमेरिका में होते हैं, और यूरोप और अमेरिका में शॉपिंग मॉल्स जो खोले जाते हैं उसके पीछे कुछ गंभीर कारण है। अगर हम वो समझ सकें तो भारत में शॉपिंग मॉल्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए वो बात हमें समझ में आएगी। यूरोप और अमेरिकन इकोनॉमी में, यूरोप से जब मैं बात करता हूँ और अमेरिका की बात करूंगा तो इंक्लूडिंग कनाडा, कनाडा उनके यहाँ नहीं होता है, सब कुछ उनके यहाँ नहीं होता है। उदाहरण के लिए अभी थोड़े दिन पहले जर्मन प्रोफेसर के साथ मेरी बात हुई एक कॉन्फ्रेंस में, तो मैंने उनसे पूछा आपके जर्मनी में गन्ना होता है, ऊस, शुगर केन होता है, उसने कहा नहीं होता। मैंने पूछा आपके देश में केला होता है, नहीं होता। आपके देश में चीकू होता है, नहीं होता। आपके देश में आम होता है, नहीं होता। आपके देश में सेब होता है, नहीं होता। अंगूर होता है, नहीं होता। थोड़ी देर में वो बौखला गया। मैं ये सब जानता था पहले से कि उनके देश में ये सब कुछ नहीं होता, लेकिन मैं सुनना चाहता था उसके मुंह से, तो एक एक करके मैं पूछता रहा। थोड़ी देर में बौखला गया तो कहने लगा देखिए अब आगे आप ज्यादा बात मत करिए, जो भी मीठी चीज है वो मेरे देश में नहीं होती, जो भी मीठी चीज है वो मेरे देश में नहीं होती। केला है, गन्ना है, संतरा है, चीकू है, ये सब मीठे फल है, मेरे देश में ये नहीं होते। फिर मैंने दूसरा एक प्रश्न उसके ऊपर छोड़ा, उसमें वो और ज्यादा बौखला गया। मैंने कहा अच्छा चलो मान लिया मीठी चीज आपके यहाँ नहीं होती, तो आपके देश में पालक होता है, पालक मीठा नहीं है, मेथी होती है, अब शुरू कर दिया तो फिर बौखला गया। फिर उसने कहा आप ज्यादा आगे मत पूछिए, हरे पत्ते की कोई चीज मेरे देश में नहीं होती। तो ये दो वाक्य जब उसने बोल दिए तो फिर मैंने कहा पर आपके देश में होता क्या है, तो उन्होंने कहा सिर्फ दो चीजें होती है, आलू होता है, पोटैटो, और प्याज होती है। ये जो उत्तर है ये यूरोप के सभी देशों में आपको सुनने को मिलेगा, तो जर्मनी हो, डेनमार्क हो, नॉर्वे हो, स्वीडन हो, फिनलैंड हो, कोई भी देश में चले जाइए, ईस्ट यूरोप का हो या वेस्ट यूरोप का, अब तो ईस्ट वेस्ट का झगड़ा भी खत्म हो गया है, यूरोप कुल मिलाकर एक हो गया है, तो ईस्ट और वेस्ट किसी भी यूरोप के हिस्से में आप चले जाइए आपको यही उत्तर मिलेगा कि हरे पत्ते की कोई चीज नहीं होती, मीठी कोई चीज नहीं। अगर हम उनके फसल के रूप में देखना चाहें तो सिर्फ उनके पास दो या तीन चीजें हैं, एक तो आलू हो जाता है सब्जी में, दूसरी प्याज हो जाती है, और कुछ देशों में थोड़ा गेहूं हो जाता है।
चौथी कोई चीज, अमेरिका थोड़ा यूरोप से बेहतर है इस मामले में कि अमेरिका में कुछ 8-10 चीजें हो जाती है, कुछ मीठी चीजें अमेरिका में हो जाती है, जैसे लीची हो जाती है, सेब हो जाता है, अमेरिका के कुछ इलाके में थोड़ा बहुत केला भी हो जाता है, बाकी कुछ चीजों में गेहूं हो जाता है और कुछ जगह कपास हो जाती है, ऐसी कुछ चीजें अमेरिका, तो अमेरिका यूरोप से थोड़ा बेहतर है। लेकिन परंतु की बात है 64,000 से ज्यादा वस्तुएं इस देश में होती है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का एक मेरे पास डॉक्यूमेंट है जिसमें उन्होंने लिस्ट किया है कि हमारे भारत देश में पेड़ों से क्या क्या मिलता है और फसलों से क्या क्या मिलता है। एक तीसरा सेक्शन है जंगलों का, तो कुल 14,785 वस्तु, 14,785 प्रोडक्ट्स, गेहूं, चावल, चना, दाल, मटर, केला, अंगूर, आम, ये सबसे महत्व की बात है समझने वाली, भारत के सभी राज्यों में होती है। आप बिल्कुल ध्रुव उत्तर पर चले जाइए, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, वहां से लेकर बिल्कुल दक्षिण में चले जाइए, पश्चिम में गुजरात से लेकर चले जाइए, ईस्ट में आसाम और उसके आगे तक, सभी राज्यों में लगभग सभी चीजें होती हैं जो जीवन को चलाने के लिए आवश्यक है। यूरोप और अमेरिकन इकोनॉमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वहां जीवन को चलाने के लिए कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। अगर परसेंटेज में हम बात करें तो 10-11 वस्तुओं का 14,785 वस्तुओं से परसेंटेज निकालें तो 0.00 कुछ परसेंट आ जाएगा, तो उनके यहाँ कुछ भी नहीं होता। तो वो बेचारे क्या करते हैं, दूसरों से लाते हैं, अफ्रीका से कुछ लाएंगे, लैटिन अमेरिका से कुछ लाएंगे, साउथ ईस्ट एशिया से कुछ लेके जाएंगे, भारत जैसे देशों से कुछ लेके आएंगे, तो अनेक अनेक देशों से चीजें इकट्ठी करके उनको अपने जीवन को चलाने में मदद होती है। माने वो सभी देश अधिकतर चीजों में इंपोर्ट बेस्ड कंट्रीज हैं, ज्यादा से ज्यादा उन्हें आयात करना पड़ता है, यूरोप हो या अमेरिका। तो जब वहां अपने उनके देश में कुछ होता नहीं है, ज्यादा चीजें उन्हें आयात करके लानी पड़ती हैं, तो उनके सामने बहुत समस्याएं हैं। उनमें से एक समस्या ये है कि जब उन्हें जरूरत हो तब सब चीजें नहीं मिल पाएंगी, हो सकता है 2 महीने देर से मिले, 3 महीने देर से मिले, 5 महीने देर से मिले। आज उन्हें जरूरत है कि सब्जी खानी है लेकिन आज नहीं मिले क्योंकि आएगी तो दूसरे देश से। हमारे देश में महात्मा गांधी जैसा जीनियस कोई व्यक्ति पिछले 500 साल में नहीं हुआ जो ये बोल कर गए कि जीवन में जितनी आवश्यक वस्तु है वो उतनी ही नजदीक से मिलनी चाहिए। ये गांधी जी का बहुत बहुत विद्वतापूर्ण स्टेटमेंट है और इस पर मैं विश्लेषण करूं तो घंटों लगते हैं। वो कहते थे कि जीवन में जो वस्तु जितनी आवश्यक है वो उतनी ही नजदीक से मिलनी चाहिए। जैसे हमको अपनी जिंदगी को चलाने में सबसे ज्यादा आवश्यक है ऑक्सीजन, तो वो बिल्कुल नजदीक में रहनी चाहिए, नहीं मिले। अगर मान लो कुछ ऐसी कल्पना आप करो कि ऑक्सीजन मिले नहीं और उसका सिलेंडर लाना पड़े, तो कितने हिंदुस्तानी हैं या कितने भारतवासी हैं जो सिलेंडर लाकर जी सके। ऑक्सीजन हमें यहाँ चाहिए जहां नाक है, उपलब्ध है तो हम जिंदा है। अगर अमरीका से ऑक्सीजन के सिलेंडर आना शुरू हो जाए इस देश में, कुछ ग्लोबलाइजेशन का ऐसा हिसाब किताब बैठ जाए कि ऑक्सीजन हमें इम्पोर्ट करनी पड़ेगी अमेरिका से, तो सोचिए क्या होगा। तो हमें श्वास तुरंत चाहिए नजदीक में, पानी चाहिए वो भी मेरे नजदीक में, मुझे मेरे घर में पानी चाहिए, कुछ ऐसी व्यवस्था है कि मुझे तुरंत पानी मिले। फिर खाने को चाहिए तो घर के नजदीक खेत में है तो वहां से मिल गया। मेडिसिन चाहिए वो घर के नजदीक में, तो जो वस्तु जितनी ज्यादा बार आप इस्तेमाल करें अपने जीवन में, जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत है इस्तेमाल करने की, वो उतने ही नजदीक होनी चाहिए। तो गांधी जी कहते हैं कि इस मामले में हिंदुस्तान दुनिया में सर्वश्रेष्ठ देश है, आदर्श है, यहाँ जो चीज की जहाँ जरूरत है आसानी से उपलब्ध है। आप किसी भी छोटे से छोटे गांव में चले जाइए, आपको जिंदगी चलाने के लिए आराम से बहुत कुछ मिल जाएगा। ये हो सकता है कि वहां मोबाइल फोन ना लगे, ये हो सकता है कि वहां कंप्यूटर काम ना करे, लेकिन जिंदगी आपकी चल जाए ऐसा सब कुछ मिल जाएगा। गेहूं मिल जाएगा, चावल मिल जाएगा, चना मिल जाएगा, सब्जियां मिल जाएंगी, दालें मिल जाएंगी, गाय का दूध भी मिल जाएगा, पानी भी अच्छे से मिल जाएगा, सोने के लिए
कपास का गद्दा भी मिल जाएगा क्योंकि कपास उनके यहाँ होती है। तो जीवन चलाने के लिए तो सब मिल जाएगा, लेकिन जीवन में जिसको ऐशो आराम हम कहते हैं वो शायद ना मिले। यूरोप और अमेरिका में इसका ठीक उल्टा है कि वहां जीवन को आवश्यक जो चीजें हैं वो कहीं भी नहीं मिलती। आप कभी अमेरिका जाए या यूरोप जाए और वहां के किसी बड़ी सड़क पर खड़े हो जाए और बस देखें क्या हो रहा है, सड़क पर खड़े हो जाइए, उनके जो नेशनल हाईवेज है उन पर खड़े हो जाइए तो आपको देखोगे ट्रक के ट्रक आ रहे हैं जा रहे हैं, लंबे लंबे ट्रक आ रहे हैं जा रहे हैं, और संयोग से 100 ट्रकों को खुलवा के देख लीजिए आप इनमें अंदर क्या जा रहा है, तो उसमें 90 ट्रक ऐसे होंगे या तो उसमें गेहूं जा रहा होगा या गेहूं का आटा जा रहा होगा या डबल रोटी और पाव रोटी जा रही होगी, या तो गेहूं जा रहा होगा या गेहूं का आटा जा रहा होगा या डबल रोटी और पाव रोटी जा रही होगी। कारण क्या है, अमेरिका में भी सभी राज्यों में गेहूं नहीं होता, अमेरिका में 50 राज्य हैं, सब जगह गेहूं नहीं होता, तो जहां गेहूं नहीं होता वहां गेहूं लाना पड़ता है, जहां होता है वहां से, तो ट्रक में भर भर के वो गेहूं लाते हैं, फिर वो गेहूं बड़े बड़े फैक्ट्रियों में पहुंचाया जाता है जहां उसका आटा बनता है, फिर उस आटे को ट्रक में भर भर के वहां पहुंचाना पड़ता है जहां पाव रोटी डबल रोटी बनती है, फिर पाव रोटी डबल रोटी को भर भर के वहां पहुंचाना पड़ता है जहां शॉपिंग मॉल्स होते हैं, और उन शॉपिंग मॉल्स में आके लोग उसको खरीद कर ले जाते हैं। ये उनकी इकोनॉमी में ट्रांसपोर्टेशन सबसे बड़ा हेडेक है। गेहूं कहीं से लाया, आटा कहीं बनने गया, आटा बन के पाव रोटी कहीं बनी, पाव रोटी बनकर कहीं बेचने के लिए गई। अब वो शॉपिंग मॉल्स में पाव रोटी खरीदने के लिए हर एक को जाना पड़ेगा अपनी अपनी कारें लेकर, क्योंकि वहां किसी के भी घर के 50 मील दूर तक शॉपिंग मॉल्स मिलेगा या 40 मील दूर मिलेगा या 25 मील दूर मिलेगा या 30 मील दूर मिलेगा, तो उनको अपनी गाड़ियों में पेट्रोल जला जला के पाव रोटी खरीदने के लिए जाना और फिर वापस आना पड़ेगा। और वहां की जिंदगी कुछ ऐसी है कि सवेरे 7 बजे काम पे जाना पड़ता है और रात 7 बजे तक सामान्य रूप से काम करना पड़ता है, 12 घंटे से कम कोई भी अमरीकी और यूरोपियन काम नहीं करता। 7 बजे फैक्ट्री में पहुंचना 90% लोगों की मजबूरी है, और जहां फैक्ट्री है और उनका घर कम से कम उसमें 250 मील का दूरी होगा, 200 मील का दूरी होगा, तो घर से फैक्ट्री पहुंचने के लिए 2 घंटे का ड्राइव चाहिए, तो 5 बजे घर छोड़ना पड़ेगा, 5 बजे घर छोड़ने के लिए सवेरे 4 बजे उठना पड़ेगा। ज्यादातर यूरोपियन और अमेरिकन कॉन्स्टिपेशन के शिकार हैं, इसलिए उनको 3 बजे ही उठना पड़ता है क्योंकि टॉयलेट रूम में सबसे ज्यादा समय उन्हीं को लगता है। एवरेज अमेरिकन को टॉयलेट रूम में 1 घंटे लगता है, और उसको पूछो क्या करते हो टॉयलेट रूम में तो कहता है न्यूज़पेपर पढ़ता रहता हूँ, क्योंकि स्टूल पास नहीं होता, क्योंकि बहुत कॉन्स्टिपेशन होता है। तो 3 बजे बेचारे उठेंगे तो रात को हर हालत में उनको 9 बजे सो जाना पड़ेगा, 8 बजे सो जाना पड़ेगा, 7 बजे फैक्ट्री बंद होगी तो वहां से घर आने में फिर 2 घंटे लगेगा, 9 बजे घर आके किसी तरह भूखा सूखा मुंह में डाल के और सीधे सो जाना पड़ेगा सुबह फिर 3 बजे। ये जिंदगी उठती हर सप्ताह में 5 दिन चलती है, इनमें से कोई भी एक दिन सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र 5 दिन में से कभी वो बीमार भी पड़ जाए तो डॉक्टर के पास जाने की फुर्सत नहीं है, अगर गलती से चले गए तो अगले दिन उसको नौकरी गई। और आप सभी जानते हैं कि यूरोप और अमेरिका में जो काम करने का तरीका है उसमें खड़े होकर ही काम करना पड़ता है, आप कुर्सी पर जैसे बैठ के काम करते हैं ना राजा की तरह से, ये वहां किसी की कल्पना नहीं। कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर भी जो है ना खड़े रहकर ही काम करता है। अमेरिका यूरोप के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में आप चले जाएं डॉक्टर्स भी खड़े रहकर ही काम करेंगे, जैसे हमारे यहाँ डॉक्टर्स के चैम्बर होते हैं जिसमें बड़ी आराम से गद्देदार कुर्सी होती है, अमेरिका के किसी हॉस्पिटल में ये कल्पना नहीं। एक छोटा सा स्टूल होता है जिस पर वो थोड़ी देर टिक सके, आराम से बैठ सके, ऐसा तो कुछ भी नहीं है उनके, तो स्टैंडिंग पोजिशन में काम करना है। काम करते समय आप अपने पड़ोसी से बात नहीं कर सकते, गलती से भी बात कर लिया तो सुपरवाइजर आपको अगले दिन कह देगा भैया मत आओ तुम्हारी जरूरत नहीं, दोनों की छुट्टी हो जाएगी। काम करते समय आपको सिर में बहुत दर्द हो रहा है और आपको मालूम है कि आपके पड़ोस में जो काम कर रहा है उसके पास मेडिसिन है जो पेन किलर है, आप उससे अगर मांग भी नहीं तो आपकी नौकरी गई। सुपरवाइजर वहां जो है ना एक कमरे में बैठा रहता है कंप्यूटर पर देखता रहता है कि कौन किससे बात कर रहा है, अगर आपने आपस में बात कर लिया तो तकलीफ हो गई, और जो कुछ हिंदुस्तानी आत्मीयता आपने दिखाई तो बहुत उल्टा पड़ने वाला है।
हम हिंदुस्तानी जो है ना किसी भी अपरिचित को मुस्करा देते हैं और उससे अरे भाई क्या हालचाल है, मालूम नहीं वो क्या है हम क्या है, पूछ तो लेते हैं भाई तुम्हारा हालचाल क्या है। गलती से भी आपने किसी फैक्ट्री में किसी का हालचाल काम करते समय पूछ लिया तो लेने के देने पड़ जाए। और जहाँ लंच का ब्रेक होता है तो लोग पागलों की तरह से फैक्ट्री से निकलते हैं और अपने अपने जेब में से निकाला हुआ बड़ा पाव जल्दी जल्दी ऐसे मुंह में खोजते हैं क्योंकि 5-7 मिनट में सब करना है, फिर उनको सिगरेट भी पीनी है उसके बाद में, फिर पानी भी पीना है क्योंकि 20 मिनट से ज्यादा लंच ब्रेक नहीं है कहीं भी, किसी तरह खा पी के अंदर घुस जाते हैं। ये उनकी जिंदगी का वो अहम हिस्सा है जो हम हिंदुस्तानियों को कोई बताता नहीं है, जो यूरोप और अमेरिका जाता है वो बखान ये करते हैं वहां तो सब स्वर्ग है, स्वर्ग से बड़ा तो कुछ भी नहीं है, अमेरिका से बड़ा कोई स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग कैसा है अमेरिका में कि अगर आपको धोबी चाहिए तो घर में नहीं आएगा, 20 मील दूर कार में लेके जाइए, कपड़े लेके आइए, प्रेस कराने हो या धुलवाने हो। हिंदुस्तान जैसा सुख कहीं नहीं है कि घर के दरवाजे पर चिल्ला चिल्ला के धोबी खड़ा, प्रेस करा लो जी प्रेस करा लो, आप बोलोगे नहीं कराना तो भी अंदर घुस आएगा, चला एक गिलास पानी तो पिला दो भले प्रेस मत कराओ। थोड़ी देर के बाद कोई दूसरा आ जाएगा, पालक ले लो जी, मेथी ले लो जी, प्याज ले लो जी। अमेरिका में कोई नहीं आता, यूरोप में कोई नहीं आता। आपको पालक और मेथी खरीदनी है तो सप्ताह भर इंतजार करिए, जब आपको ऑफ डे मिलेगा सैटरडे और संडे तो 50 मील ड्राइव करके जाइए और उसके बाद आप सब्जी खरीद के लाइए, सब्जी के साथ एक हफ्ते का दूध एक साथ खरीद लाइए क्योंकि दूध रोज वहां नहीं मिलता। हम जैसे ताजा दूध यहाँ पी लेते हैं ना, और दूध वाला घर आके घंटी बजा बजा के सवेरे 5 बजे ठंड में दूध दे जाता है, ऐसी कल्पना अमेरिका में कोई राजा भी नहीं कर सकता, अमेरिका के राष्ट्रपति को भी ये सुख उपलब्ध नहीं। तो यहाँ और अब तो मैं हिंदुस्तान में देखता हूँ छोटे छोटे गाँव में जाता हूँ बाल बनाने वाला नाई घर में आके बना के जाता है। अमेरिका में बाल बनवाने जाना हो तो अपॉइंटमेंट फिक्स करिए पहले उसके साथ, वो 7 दिन बाद का अपॉइंटमेंट देगा, उस टाइम पे आप जाइए बाल बनवाने तो बाल बनेंगे, आगे पीछे गए तो भगा देगा। वहां की जिंदगी की कुछ सीमाएं हैं, मैं ये नहीं कहता कि वो खराब है और हम अच्छे हैं, हम जानना चाहते हैं कि उनकी सीमाएं क्या, उनकी ये सीमाएं हैं। जिंदगी बहुत कठोर है वहां पर, सवेरे 3 बजे से शुरू हो गए शाम को 9 बजे खत्म हो जाए और 5 दिन बैल की तरह से खटना पड़े आपको अपनी जिंदगी में, कहीं भी फ्री स्पेस ना हो। मैंने वहां की महिलाओं को देखा इतनी बुरी हालत में होती है, अगर कोई महिला है वो काम करती है, सामान्य रूप से सब महिलाओं को काम करना पड़ता है क्योंकि बिना काम के जिंदा रह नहीं सकते आप, क्योंकि जीवन वहां इतना सस्ता नहीं है जितना भारत में है। यहाँ तो बहुत सारी माताएं काम करने ना भी जाए तो भी उनका घर आराम से चल सकता है, वहां तो कोई भी माँ सोच नहीं सकती बिना काम के। तो माताएं जब काम पर जाती है तो इतना दुख होता है देख के, छोटा बच्चा है उनके पास 1 महीने का 2 महीने का 3 महीने का तो उसको क्रैश में छोड़ना है और क्रैश जो है घर से 100 मील दूर है, तो क्रैश में पहले बच्चे को छोड़ के आइए, फिर 100 मील ड्राइव करके फैक्ट्री में जाइए। और जब कोई माँ अकेली अपने बच्चे को छोड़ने के लिए जाती है तो बच्चे को सीट से बांधना पड़ता है, सीट होती है सामने की उसमें बांधना पड़ता है। अभी अमेरिका की सरकार ने कानून बदल दिया कि सामने की सीट में बच्चा नहीं बांध सकते तो पीछे बांधना पड़ता है, और वो बेचारा चिल्लाता रहता है रोता रहता है क्योंकि 3 बजे उठा दिया उसकी माँ ने मार पीट के, क्योंकि मां जाएगी फैक्ट्री में तो बच्चा घर में अकेला कैसा रहेगा, नौकर कोई अफोर्ड कर नहीं सकता क्योंकि जितनी उनकी का पगार है वो नौकर कोई देने में चली जाएगी। तो बच्चे को मार पीट के किसी तरह उठाते हैं 3 बजे सवेरे सवेरे, वो चिल्लाता रहता है, उसको क्रैश में छोड़ के आते हैं, फिर ड्राइव करके मां जाती है फैक्ट्री में, फिर शाम को 7 बजे आती है, फिर बच्चे को क्रैश से लेती है, फिर 9 बजे घर पहुंचती है, उतने में तो उसकी जिंदगी निचोड़ चुकी होती है। यूरोप में ऐसे हजारों नहीं लाखों पति पत्नी हैं जो पति पत्नी होने का सुख नहीं भोग पाते महीनों महीनों तक, इतने गरीब लोग इतने बेचारे लोग। हो सकता है उनके पास लाखों डॉलर हो लेकिन डॉलर से सुख नहीं मिलता, सुविधाएं मिल सकती है, तो उनकी जिंदगी कुछ खास सीमाओं में बंधी हुई है। और उन सभी देशों का एक ही जैसा है कि सब जगह सब कुछ होता नहीं है, तो जहां जो कुछ होता है वहां से इकट्ठा करो और एक ही जगह कहीं सेंट्रलाइज सिस्टम हो तो वहां से डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो ये जो शॉपिंग मॉल्स हैं ये इस मजबूरी की उपज है। अमेरिकन इकोनॉमी में यूरोप
यूरोपियन इकोनॉमी में चूंकि हर चीज हर जगह होती नहीं है, जीवन चलाने के लिए चाहिए तो सब कुछ लेकिन होता तो कुछ भी नहीं है, तो उनको हर जगह जहां से भी कुछ मिले वो इकट्ठा करो, सेंट्रलाइज उसको रखो ताकि लोग आकर उसे खरीद कर ले जा सके और अपनी जिंदगी चला सके। इसलिए उन्होंने शॉपिंग मॉल्स बनाए और उनके शॉपिंग मॉल्स आप जानते हैं कि भारत की दुकानों जैसे नहीं है। हमारे यहाँ की दुकान और उनके शॉपिंग मॉल्स में जमीन आसमान का अंतर है। उनके यहाँ के शॉपिंग मॉल में मोटर कार से लेकर सुई और धागे तक एक ही जगह मिलेगा, क्योंकि ना मिले तो उनकी जिंदगी नहीं चलेगी। एक ही जगह मिलना उनके लिए आवश्यक है, नहीं मिलेगी तो जिंदगी नहीं चलेगी। तो उनके सारे शॉपिंग मॉल्स होंगे सेंट्रलाइज, और सेंट्रलाइज शॉपिंग मॉल्स रखने हैं तो उनके लिए सेंट्रलाइजेशन बहुत आवश्यक है, तो उनके लिए बड़ी कंपनियां जरूरी है और बड़ी कंपनियों के लिए बड़ा पूंजी निवेश जरूरी है। तो उनके यहाँ एक शॉपिंग मॉल खोलना हो तो $2-5 लाख से कम का किस हिसाब किताब नहीं, हो सकता $50 लाख का हिसाब किताब है, हो सकता है $1 करोड़ में वो खोले। तो इसलिए वहां की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो शॉपिंग मॉल चलाती हैं, छोटी कंपनी तो अमेरिका और यूरोप में एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो मान लीजिए एक कंपनी है वॉलमार्ट, उनके अमेरिका में हजारों शॉपिंग मॉल्स हैं क्योंकि बहुत सेंट्रलाइज कंपनी है। वॉलमार्ट का एक साल का टोटल सेल भारत सरकार के बजट से 2 गुना ज्यादा है। भारत सरकार का एक साल का बजट 5.5 लाख करोड़ का है, वॉलमार्ट का एक साल का सेल 11 लाख करोड़ रुपए का। वॉलमार्ट के टक्कर की एक दूसरी कंपनी है यूरोप की जिसका नाम है Carrefour, CARREFOUR, Carrefour। इनकी बहुत बड़ी सीरीज है पूरे यूरोप में, वॉलमार्ट की बहुत बड़ी सीरीज है पूरे यूरोप, अमेरिका और कनाडा में। तो उनके बहुत सारे सब कुछ काम सेंट्रलाइजेशन पर आधारित है, ये बात जो है समझने की है। सेंट्रलाइजेशन में कोई काम सस्ते में नहीं हो सकता, उसमें बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट पर बहुत बड़े शॉपिंग मॉल्स और बहुत सेंट्रलाइज तरीके से वो चलाते हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी है और वो मजबूरी है कि भगवान ने, प्रकृति ने उनको हर जगह कुछ भी नहीं दिया। कुछ जगह कुछ होता है, कुछ जगह कुछ होता है, हर जगह की चीजें एक जगह इकट्ठी करके ही वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये है उनकी मजबूरी। अब भारत की बात करें, भारत में शॉपिंग मॉल्स क्यों चाहिए? इस देश की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ सब कुछ सब जगह होता है। मैंने आपको कहा भारत में 35 राज्य हैं, हर राज्य में गेहूं होता है, चावल होता है, चना होता है, मटर होती है, दाल होती है, हर राज्य में केला होता है, हर राज्य में गन्ना होता है, संतरा होता है, हर राज्य में मूंगफली होती है। आपको जीवन में जो भी चीजें आवश्यक हैं, जो आप घर में मसाले इस्तेमाल करते हैं, लगभग 108 मसाले हमारे जीवन में रोज काम आते हैं, हल्दी है, धनिया है, मेहंदी है, जीरा है आदि आदि, इनमें से 50% हर जगह होते हैं। हल्दी तो आप लगभग हर समय हिंदुस्तान में कहीं भी हो जाती है। तो जब सब कुछ सब जगह होता है तो हमको सेंट्रलाइजेशन की जरूरत क्या है? हम भारत में 7,32,000 गांव के बात करते हैं, 7,32,000 में किसी भी छोटे से छोटे गांव में चले जाइए, जीवन जिंदा रखने के लिए आपको जो कुछ चाहिए वो उस गांव में मिल जाएगा। तो भारत में चूंकि हर गांव में सब कुछ होता है इसलिए यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन है। डिसेंट्रलाइजेशन वही होता है जहां सब कुछ होता है, सेंट्रलाइजेशन वहां करना पड़ता है जहां कुछ नहीं होता है। तो यूरोप और अमेरिका में कुछ नहीं होता तो वो सेंट्रलाइज सिस्टम में काम करते हैं, हमारे यहाँ सब कुछ सब जगह होता है तो हम डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी को चलाते हैं। अब ये जो डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी भारत में चल रही है पिछले सैकड़ों साल से, हजारों साल से, समय समय पर इसको तोड़ने की कोशिश की गई। सबसे ज्यादा कोशिश की इसको तोड़ने की अंग्रेजों ने, अंग्रेजों ने डिसेंट्रलाइज इंडियन इकोनॉमी को सेंट्रलाइज करने की पूरी कोशिश की, लेकिन 250 साल के बाद भी वो कामयाब नहीं हुए। 250 साल उन्होंने कोशिश की फिर भी कामयाब नहीं हुए। अंग्रेजों से पहले थोड़ी यही कोशिश की पुर्तगालियों ने, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हुई। थोड़े दिन यही कोशिश की फ्रांसीसियों ने, वो भी कामयाब नहीं हुए। और ये अंग्रेज, फ्रांसीसी और पुर्तगालियों से थोड़े दिन पहले ये कोशिश की इस्लाम को मानने वाले हैं उन सब विदेशी शासकों ने जो भारत से बाहर के थे, भारत की भूमि पर लूट मार करने आए थे, वो चाहे अहमद शाह अब्दाली हो, चाहे तैमूर लंग हो, चाहे नादिर शाह हो, चाहे इल्तुतमिश हो, चाहे महमूद गजनवी हो, चाहे बाबर हो, ये सब जो विदेशी शासक आए उन्होंने भी यही कोशिश की कि हिंदुस्तान का जो डिसेंट्रलाइज करेक्टर है इसको तोड़ मोड़
रोके एक सेंट्रलाइज बना देना, लेकिन वो 600 साल में भी कामयाब नहीं। उन्होंने ये कोशिश 10वीं शताब्दी से शुरू की थी, महमूद गजनवी के समय से, और 16वीं शताब्दी तक आते आते उनको भारत से हट ही जाना पड़ा, कामयाब वो नहीं हो पाए। 400 साल यूरोप वालों ने कोशिश की, वो भी कामयाब नहीं हो पाए। अब वही कोशिश इस देश में डॉक्टर मनमोहन सिंह कर रहे हैं, वही कोशिश मनमोहन सिंह कर रहे हैं, जिस कोशिश में यूरोपियन फेल हो गए, इस्लामिक रिपब्लिकन लोग फेल हो गए, उसको मनमोहन सिंह कर रहे हैं। मैं आपको ये स्टाम्प पेपर पर लिख के लेता हूँ, मनमोहन सिंह भी कामयाब नहीं होंगे, सफल नहीं होने वाले, लेकिन वो नुकसान बहुत करते हैं इस देश में। सफल तो नहीं होगा, नुकसान बहुत हो जाएगा। सफल क्यों नहीं होगा आप पूछेंगे जी, सफल क्यों नहीं होगा? वो इसलिए नहीं होगा कि हिंदुस्तान की आबादी के दो हिस्से हैं, 110 करोड़ की हमारी आबादी है, इसमें एक हिस्सा है जो इंडिया है और दूसरा है वो भारत। ये जो इंडिया है वो हमारा आपका है, हम सब, जिसको हम मिडिल क्लास कहें, अपर मिडिल क्लास कहें, हायर क्लास कहें, इस देश में ये सब इंडिया वाला भर रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा नहीं है, मुश्किल से 25-27 करोड़ के आसपास है। तो 25 से 27 करोड़ का एक वर्ग है जो इंडिया में रहता है, इनके बीच में आप शॉपिंग मॉल्स चलाएंगे तो थोड़े बहुत चल जाएंगे शायद, वहां भी मुझे डाउट है कि वो चल पाएंगे, शायद चल जाए, लेकिन बाकी का जो हिंदुस्तान है 70 करोड़ का 77 करोड़ का 78 करोड़ का, वहां तो सफल होने का कोई चांस नहीं। क्यों? हर आदमी जो वहां रह रहा है वो अपने ऊपर स्वावलंबी है, उसके पास सब कुछ है जो उसकी जरूरत का है, उसको गेहूं चाहिए गेहूं पैदा कर लेता है, आटा बनाना है तो घर में वो पत्थर की चक्की है उसको घुमा के आटा बना लेता है, उसको कोई मशीन भी नहीं चाहिए आटा बनाने की, बिजली आए ना आए उसके ठेले में वो तो अपनी चक्की चला के गेहूं का आटा बना लेता है, बाजरी का बनाना है तो भी चला लेता है, चौकी का बनाना है तो चला लेता है, उसको चटनी बनानी है तो मैगी का इंतजार नहीं करता, वो अपना सिलबट्टा लिया टमाटर पीस लिया ताजा चटनी तैयार हो गई, उसको अगर कुछ खाना है तो तुरंत। हमारा आपका इलाका है, इसको थोड़े बहुत शॉपिंग मॉल्स चाहिए, क्योंकि हम और आप थोड़े परावलंबी जीव हैं, हमको जो कुछ चाहिए वो हम पैदा कर नहीं पाते, हमको रोज खाने को गेहूँ चाहिए, हमारा गेहूँ पैदा करने की ताकत हमें नहीं है, दाल चाहिए नहीं है हमारी ताकत, सब्जियां चाहिए नहीं है हमारी ताकत, कॉफी पीते हैं लेकिन कॉफी पैदा नहीं कर सकते, चाय पीते हैं लेकिन चाय पैदा करना हमको मालूम नहीं है, हमको टेक्नोलॉजी नहीं आती, हमारे पास वो नॉलेज बेस नहीं है कि जो कुछ हम खाते पीते हैं वो हम पैदा कर सके। हम परजीवी लोग हैं, पैरासाइट हैं, खासकर पढ़े लिखे और इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग तो सभी पैरासाइट हैं, वो निर्भर हैं ऐसे लोगों पर कि वो कुछ कृपा कर दें आपके ऊपर पैदा करके देने की तो ठीक है, नहीं तो कल को वो ये कह दें कि हम बेचेंगे ही नहीं गेहूं हमारा तो आप क्या कर लेंगे, वो ये कह दें कि हम तो चावल बेचेंगे नहीं हम खाते हैं उतना ही पैदा करेंगे, हम दालें बेचेंगे ही नहीं हम जितनी दालें चाहते हैं उतनी ही पैदा करेंगे, तो वो वर्ग आपको दे देता है तो आपकी जिंदगी चलती है। तो आप बड़े ठसक में रहते हैं कि आपके पास रुपया है, रुपया क्या होता है जी? डेड है, उसमें क्या दम है रुपए, रुपए से उसकी गनीमत है कि वो आपको कुछ दे दे रहा है, वरना वो रियल वैल्यू क्या है रुपए की? कुछ नहीं, वो तो मरी हुई चीज है, कागज का एक नोट है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने उसको कुछ घोषणा कर रखी है कि मैं 100 रुपए देने का वचन देता हूं, अगर वो घोषणा जब वापस हो जाए तो वो तो कुछ दम नहीं रखता। गेहूं में दम है, चावल में दम है, गेहूं पैदा करने वाला जानता है कि मैं ये गेहूं से कुछ भी खरीद लूंगा, जिसके पास चावल है वो गेहूं ले लेगा और उसको चावल दे देगा, लेकिन आपके पास तो ना गेहूं है ना चावल है, खाली कागज का टुकड़ा है, कल को वो कहे कि मैं नहीं मानता रिजर्व बैंक ऑफ गवर्नमेंट की किसी बात को नहीं मानता, तो आप कुछ नहीं कर सकते उसे, तब आप उसके सामने गड़गड़ाएंगे रोएंगे कहेंगे भैया कुछ तो दे दो, तो कहेगा मुझे कुछ दे दो बदले में, आपके पास कुछ नहीं है देने के लिए उसके पास। हम मानते हैं ना कि पहले एक इकोनॉमी थी जो बार्टर सिस्टम से चलती थी, वो बहुत आइडियलिस्टिक होता है, बार्टर में पता है क्या होता है, सबके पास सब कुछ होता है, सबके पास सब कुछ होता है क्योंकि वो अपनी चीज से कुछ भी एक्सचेंज कर लेता है, लेकिन ये जो करेंसी वाली इकोनॉमी है इसमें एक क्लास ऐसा होता है जिसके पास कुछ भी नहीं होता सिवाय कागज के टुकड़े,
और ये कागज का टुकड़ा तभी तक है जब तक रिजर्व बैंक के गवर्नर की गारंटी है किसी दिन इस देश में कॉलेप्स हो जाए पूरी इकोनॉमी और सरकार डूब जाए तो उसकी जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है, क्योंकि हमारे पड़ोसी देशों में हम ये सब रोज देख रहे हैं। हमारा पड़ोसी देश इंडोनेशिया, थोड़े दिन पहले इसका रिजर्व बैंक, इंडोनेशिया का भी रिजर्व बैंक है, उसका गवर्नर कहता था कि मैं ये गारंटी लेता हूँ जैसे हमारे यहाँ, आज उनकी हर करेंसी का डिवेल्यूएशन हो गया तो वो गारंटी वापस लेनी पड़ी। जिम्बाब्वे नाम का एक देश है, आज से 20-25 साल पहले उनके यहाँ भी होता था कि 100 रुपए का उनका अपना करेंसी का नोट है तो उसमें गारंटी होती थी। आज जिम्बाब्वे की 1,00,000 करेंसी $1 के बराबर, 1,00,000 करेंसी $1 के बराबर है जिम्बाब्वे, तो उन्होंने सब गारंटी वापस ले लिया। हिंदुस्तान में कल ये नहीं हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं, ये यहाँ भी हो गया तो रिजर्व बैंक अपनी गारंटी वापस ले लेना, तब आप सब परेशान हो जाएंगे, आप करेंगे क्या? किसान तो बच जाएंगे क्योंकि उनके पास जो भी कुछ है वो एक्सचेंज कर लेंगे, अपनी जिंदगी चला लेंगे, आप तो कुछ नहीं कर सकते। तो अब हम इस हिंदुस्तान की इकोनॉमी को एक ऐसी जगह ले जाके खड़ा करना चाहते हैं जहां यूरोप और अमेरिका मजबूरी में खड़े हैं, उनकी मजबूरी को हमारी सरकार स्टेटस सिंबल मान रही है। हमारी सरकार मानती है कि वहां के शॉपिंग मॉल्स हैं वो हमारे लिए आइडियल है, तो इस देश की सरकार अब शॉपिंग मॉल्स खोल जाने लगी हुई है, उन शॉपिंग मॉल्स के लिए कंपनियों को बुला रहे हैं, वो कंपनियां यहाँ आ रही हैं, बड़ी बड़ी दुकानें वो खोलते चले जा रहे हैं। परिणाम क्या निकलेंगे इसके? इसके एक ही परिणाम निकलने वाले हैं कि भारत जैसे देश में जहाँ बेरोजगारी और गरीबी अभी भी पिछले 60 साल में गंभीरतम समस्याओं में है, माने जो हल नहीं हो पाई है 60 साल में वो थोड़ी और बढ़ जाएगी, ये होने वाला है। आप बोलेंगे जी नए शॉपिंग मॉल्स के रोजगार खड़े करेंगे, वो जितने रोजगार खड़े करेंगे उससे ज्यादा वो बेरोजगार कर देंगे, वो कैसे होने वाला है? कल्पना करिए कि इस नागपुर शहर में 10-12 बड़े शॉपिंग मॉल्स खुल गए, वॉलमार्ट के या केयर फोर के, तो नागपुर शहर के जो छोटे छोटे किराना व्यापारी हैं ये सब अपनी दुकान बंद करके सड़क पे खड़े होंगे। क्यों? क्योंकि ये शॉपिंग मॉल्स जो बड़े आएंगे इनको कॉम्पिटिशन है छोटे दुकानदारों से, उनके आपस में कॉम्पिटिशन कभी भी नहीं होते, ये आप ध्यान रखिए, कभी भी दो बड़े कंपनी आपस में कॉम्पिटिशन नहीं करते, वो एक दूसरे के सहयोग से चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेप्सी एंड कोका कोला, पेप्सी और कोका कोला का आपस में कोई कंपटीशन नहीं है, उसका कंपटीशन भारत में नींबू के पानी के साथ है, उनका कंपटीशन भारत में ऊस के रस के साथ है, उनका कंपटीशन भारत में संतरे के रस के साथ है, उनका आपस में कोई कंपटीशन नहीं है क्योंकि दोनों एक ही है, अंदर खाने दोनों एक ही है, बड़े कंपनीज आपस में मिलजुल कर ही चलते हैं और प्राइस फिक्स होता है ना पेप्सी और कोक का, तो दोनों के मैनेजिंग डायरेक्टर आपस में बैठ के तय करते हैं कि भाई हमारी बोतल इतने की तो तुम्हारे भी इतने की, और फिर दोनों तय कर लेते हैं कि अगर तुम्हारे ऊपर अटैक होगा तो मैं बचाऊंगा, मेरे ऊपर अटैक हो तो तुम बचाना मुझे। तो सारी बड़ी कंपनियां जो है ना कार्टेल्स बना के काम करती है, वो 2 हो या 5 हो या 10 हो, उनमें इंटरनल कंपटीशन कभी नहीं होता। ये बहुत बड़ी हम गलतफहमी के शिकार हैं कि बड़ी कंपनियां आती हैं तो कंपटीशन बढ़ता है, बड़ी कंपनियों के आने से मोनोपोली बढ़ती है, कंपटीशन नहीं बढ़ता है। ये पेप्सी कोक की सबसे बड़ा उदाहरण है, पेप्सी कोक जब आया तो भारत में 12 छोटे बड़े ब्रांड थे, एक थम्स अप ब्रांड था, एक लिम्का ब्रांड था, एक 77 ब्रांड था, एक गोल्ड स्पॉट ब्रांड था, एक ये ब्रांड था, एक वो ब्रांड था, लेकिन दो बड़े जाइंट आ गए तो सब छोटे ब्रांड खत्म हो गए, या तो वो पेप्सी में मर्ज हो गए या कोका कोला। रमेश चौहान यही महाराष्ट्र के हैं, उनके मुंह से उनकी कहानी सुन लीजिए, उन्होंने खुद कहा था कि अगर मैं अपना पूरा एम्पायर ना बेचूं तो 2 दिन बाद मैं भूखे मरने की हालत में आ जाऊंगा, इसलिए मैंने बेच दिया सर। तो कंपटीशन उनका जो होता है ना वो लोकल लोगों के साथ होता है, लोकल छोटे छोटे ब्रांड्स, तो ये बड़े शॉपिंग मॉल्स आएंगे इनका कंपटीशन भी भारत की छोटी छोटी दुकानों से होने वाला है। और भारत सरकार के जानकारी के अनुसार, मेरी जानकारी नहीं है ये सरकार की, हालांकि मैं मानता हूँ इसमें कुछ करेक्शन की जरूरत है, सरकार बोलती है कि भारत में छोटे दुकानदार 2 करोड़ से ज्यादा है, 2 करोड़ से ज्यादा छोटे दुकानदार है, इसका मतलब 2 करोड़ छोटी छोटी दुकानें इस देश में चल रही है। तो ये 2 करोड़ जो छोटी छोटी दुकानें हैं ये कॉम्पिटिटर है वॉलमार्ट और केयर फोर।
अब वॉलमार्ट और केयरफोर क्या करेगा इनके कंपटीशन के लिए? वो कहेगा चलो ठीक है एक साल हम घाटा उठाएंगे, छोटी दुकान में जो माल 10 रुपए का बिक रहा है वॉलमार्ट उसे 8 रुपए का बेचेगा, या छोटी दुकान में जो माल 5 रुपए का बिक रहा है वो 3 रुपए का बेचेगा, या छोटी दुकान में कुछ बिक रहा है तो वॉलमार्ट में वो कहेंगे एक पर एक फ्री है ले जाओ। जितनी बड़ी दुकानें हैं सब जगह स्कीम है एक पर एक फ्री, एक शर्ट चाहिए एक फ्री ले जाओ, आप उसको कहो भैया मुझे एक ही दे दो। एक आजकल बड़ा ब्रांड नेम आया है कुटोन्स, मैं एक दिन दिल्ली में इनके शोरूम में चला गया, कहने लगे जी 1100 रुपए की शर्ट है और एक पर एक फ्री है, तो मैंने कहा 550 रुपए दे रहा हूँ एक दे दो। 1100 रुपए में आप दो शर्ट दे रहे हो एक पर एक फ्री है, मैं 550 दे रहा हूँ एक दे दो मुझे। कहने लगे जी ये नहीं हो सकता, दो खरीदोगे तो 1100 में ही लेना पड़ेगा, हम 550 में एक नहीं दे सकते। तो उनकी अपनी पॉलिसी है, ये पॉलिसी के चलते हिंदुस्तान के 2 करोड़ दुकानदार कुछ भी ऑफर नहीं कर सकते एक पर एक फ्री, उनके पास स्पेस नहीं है, उनकी सीमा नहीं है, उनकी लिमिटेशन उनको परमिट नहीं करती कि वो कुछ ऑफर कर सके। तो होने वाला ये है कि जैसे बड़े शहर नागपुर में उनके 10-12 खुल गए बड़े शॉपिंग मॉल्स, तो छोटे छोटे दुकानदार नागपुर में खत्म। अब ये जो छोटे छोटे दुकानदार खत्म हो जाएंगे, सरकार के पास इनके लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं, कोई ऑप्शन नहीं, सरकार के पास कोई प्लानिंग भी नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं। और ये पूरे देश के बारे में जरा कल्पना करिए कि 2 करोड़ दुकानदार अगर इस देश में खत्म होते हैं तो 10 करोड़ लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ती है, क्योंकि एक दुकानदार के पीछे 5 आदमी का जिंदगी है इस देश में एवरेज। तो 10 करोड़ लोगों की जीवन आप खतरे में डाल रहे हैं। ऐसी कोई इकोनॉमी में चेंज आए तो वो देश के हित में होगा, ये बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह। आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास चॉइस बहुत होगी, ठीक है चॉइस बहुत होगी, मान लीजिए एक बड़े शॉपिंग मॉल में आप चले गए तो आपको जो चीज खरीदनी है उसके हो सकता है 100 ब्रांड हो, आपको साबुन खरीदना है तो साबुन के 100 ब्रांड हो सकते हैं, 150 ब्रांड हो सकते हैं, 300 ब्रांड हो सकते हैं, लेकिन होगा तो साबुन ही ना, दूध तो नहीं मिलेगा साबुन की जगह। तो पता नहीं हम किस दुनिया में रहते हैं, हम ये सोचते हैं हमें चॉइस बहुत है, 150 ब्रांड में से एक हम खरीद के लाएंगे, साबुन ही होने वाला है, साबुन से आगे तो कुछ नहीं मिलेगा उस सेक्टर में। वॉशिंग पाउडर खरीदेंगे, हो सकता है 150 ब्रांड नहीं हो लेकिन वॉशिंग पाउडर ही होगा ना, अमृत तो नहीं होगा, गंगा जल तो नहीं होगा। अगर आपको कोई क्रीम खरीदनी है तो हो सकता है 1000 ब्रांड नेम हो उनके पास तो क्रीम ही होगी ना, उसके अलावा तो कुछ नहीं होने वाला। तो ये जो हम बार बार करते हैं कि हमारे पास चॉइस होगी, हम चॉइस से ये खरीद सकेंगे, थोड़े दिन मान लो आपकी ये चॉइस आपने पूर्ति कर ली, फिर क्या होगा आगे जरा सोचें। होने वाला ये है कि जब आपकी इकोनॉमी में 2 करोड़ लोग अपनी जिंदगी चलाने के लिए लगे हुए हैं छोटी छोटी दुकानों के हिसाब से, ये अगर बेरोजगार होते हैं तो 10 करोड़ लोगों की तो परचेसिंग कैपेसिटी खत्म, क्योंकि उनके पास रोजगार का दूसरा साधन नहीं। अगर उनकी परचेसिंग कैपेसिटी खत्म हुई तो मार्केट में डिमांड कम, और मार्केट में डिमांड कम तो प्रोडक्शन कम, और मार्केट में डिमांड और प्रोडक्शन दोनों ही कम तो इकोनॉमी कोलैप्स, और इकोनॉमी कोलैप्स तो आप सबको डूब मरने के लिए कोई रास्ता नहीं। सोचिए जरा इसको इस तरह से। हम हिंदुस्तान में देख रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी में एक फेज शुरू हुआ ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन, 1991 से मनमोहन सिंह ने शुरू किया, तो इस इकोनॉमी को उन्होंने कहा कि बहुत वाइब्रेंट इकोनॉमी हो जाएगी और दुनिया में सभी देशों के मुकाबले आ जाएगी। पिछले 15-16 साल से हम देख रहे हैं कि ये लगातार चल रहा है, इसका अंतिम दुष्परिणाम तो यही निकल रहा है कि किसानों को आत्महत्या करनी पड़ रही, जो आपके देश का सबसे बड़ा वर्ग है जिस पर आप जिंदा है उसको आत्महत्या करनी पड़ रही है। और किसानों की आत्महत्या का सबसे बड़ा एक ही कारण है कि पिछले 15 सालों में ग्लोबलाइजेशन के नाम पर सरकार ने किसानों को काम आने वाली हर चीज को महंगा कर दिया, क्योंकि पिछले 15 साल में आपकी सरकार ने ग्लोबलाइजेशन के नाम पर इनडायरेक्ट टैक्सेस को लगातार बढ़ा दिया, और इनडायरेक्ट टैक्सेस का सबसे ज्यादा दुष्परिणाम गरीब आदमी पे ही पड़ता है।
डायरेक्ट टैक्स को कट किए हैं सरकार ने पिछले 15 साल में, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा दिए। हम जिंदगी में जिनकी कभी कल्पना नहीं करते थे उन चीजों पर भी टैक्स आ गया। मैंने इस हिंदुस्तान में कभी कल्पना नहीं की थी कि नमक पर भी टैक्स आएगा, लेकिन नमक पर टैक्स आ गया। और नमक पर टैक्स उस व्यक्ति ने लाया है जो हर 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की समाधि की परिक्रमा करता है। इस देश का हर प्रधानमंत्री 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की समाधि की परिक्रमा करता है, पूरे देश टेलीविजन पर देखता है। महात्मा गांधी ने नमक पर टैक्स के खिलाफ ही सत्याग्रह किया था और उस महात्मा गांधी का नाम लेने वाले प्रधानमंत्रियों ने नमक पर भी टैक्स लगा दिया। अब वो 15 पैसे किलो का नमक 7 रुपए किलो मिल रहा है, कोई कोई शहरों में 15 रुपए किलो मिल रहा है। तो जो गरीब आदमी के काम आने वाला नमक था वो भी अब इतना महंगा हो गया, तो बाकी चीजों की तो आप क्या बात करेंगे। यूरिया 1991 में मिलता था एक पैकेट 50 रुपए का, अब हो गया 270 रुपए का। डीएपी 1991 में मिलता था 1 किलो 3 रुपए का, अब डीएपी है 22 रुपए का 1 किलो। 1991 में किसानों को काम आने वाला डीजल मिलता था 7 रुपए लीटर, अब डीजल हो गया है 36 रुपए लीटर। 1991 में किसान अगर ये ट्रैक्टर खरीदे तो 1.5 लाख रुपए में मिल जाता था 10 हॉर्स पावर का, अब हो गया है 5.5 लाख का। किसान जो पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं कीड़ों को मारने के लिए, जो 250-300 रुपए लीटर मिलते थे अब वो 3000 रुपए लीटर हो गए हैं। जो बीज किसानों को 200-250 रुपए किलो मिलता था वो बीज अब 70-80 हजार रुपए किलो हो चुका है। कोई बीज तो इस देश में 7 लाख रुपए किलो मिल रहा है, सोने के बराबर का भाव है। 7000 रुपए का 10 ग्राम सोना है, 7 लाख रुपए किलो, और 7 लाख रुपए किलो बीज भी है, तो सोने के भाव बीज मिल रहा है। तो किसानों के काम आने वाली हर चीज हमने महंगी किया ग्लोबलाइजेशन में। अब किसानों का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो बढ़ा दिया हमने, लेकिन वो जो कुछ पैदा करके बाजार में बेच रहे हैं उसको हमने बढ़ने नहीं दिया भाव, उसको हमने और गिरा दिया। बाहर से गेहूं मंगाना शुरू कर दिया, बाहर से चावल मंगाना शुरू कर दिया, कपास मंगाना शुरू कर दिया, फ्री इम्पोर्ट कर दिया। इम्पोर्ट को लगातार हम लिबरलाइज करते गए तो बाहर से चीजें आने लगी, तो देश में डिमांड कम है, अब सप्लाई ज्यादा हो गई, तो हर चीज सस्ती हो गई। तो किसान बेच रहा है बेचारा सस्ता और खरीद रहा है महंगा, ये है ग्लोबलाइजेशन। अब इसमें अंतिम दुष्परिणाम यह है कि वो सस्ता बेचे और महंगा खरीदे तो घाटा उठाए, उस घाटे को पूर्ति करने के लिए कर्ज ले, कर्ज का ब्याज भरने के लिए कर्ज ले, कर्ज का फिर ब्याज भरने के लिए और कर्ज ले, एक दिन कर्ज चुकाने की स्थिति में ना हो तो आत्महत्या करें। और ये बड़ा विचित्र देश है कि किसानों का कुछ कर्ज है जो मुख्यमंत्री माफ नहीं कर सकते, प्रधानमंत्री भी माफ नहीं कर सकते। टाटा बिरला डालमिया का नॉन परफॉर्मिंग असेट्स अभी 1,80,000 करोड़ का हो गया है, कोई प्रधानमंत्री को इस पर तकलीफ नहीं। वित्त मंत्री कहते हैं कि नॉन परफॉर्मिंग असेट्स के बारे में बात मत करो मुझसे, मैं कुछ नहीं कर सकता। किसानों का 20,000 करोड़ का कर्ज माफ करने की सरकार की ताकत नहीं है। 1,80,000 करोड़ रुपए बड़े उद्योगों ने दबाकर बिठा रखा है सरकार का, वो वापस नहीं दे रहे। बैंकों से कर्जा ले रहे हैं और अपने को दिवालिया घोषित कर रहे हैं। कंपनियां पैसा लूट कर ले जा रही हैं, उसमें पैसे डूब रहे हैं, उनकी कोई पकड़ धकड़ नहीं। इकोनॉमिक ऑफेंसेस इस देश में इतने बढ़ गए हैं कि आज तक हमें नहीं लगता कि किसी को फांसी की सजा हो गई हो। जो आर्थिक अपराधी हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं इस देश में। तो हम देखते जा रहे हैं कि आखिरकार ये ग्लोबलाइजेशन हुआ किसके लिए। ग्लोबलाइजेशन हुआ शेयर मार्केट के लिए, लेकिन शेयर मार्केट पूरी इकोनॉमी का 1% के आसपास भी नहीं। हमारा ग्लोबलाइजेशन किया उससे शेयर मार्केट में तो उछाल आया है, और वो उछाल आया कि 14,000 पॉइंट पे हम पहुंच गए, लेकिन वो हिंदुस्तान के 110 करोड़ लोगों का पेट नहीं भर सकता शेयर बाजार। वो हो सकता है 10-20 लाख शेयर ब्रोकर्स की जिंदगी बदल सकता है, लेकिन 110 करोड़ लोगों के लिए उसके पास कुछ नहीं। फिर थोड़ा बहुत बूम आया है इस देश में तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, जिसका किसी कोई लेना देना नहीं। कोई भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री वाले के पास मैं जाता हूँ इंफोसिस के, एक बार मैंने उनको पूछा था नारायण मूर्ति को कि जी आप बोलते हैं कि हम सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करते हैं, क्या एक्सपोर्ट करते हैं आप, क्या बनाते हैं, कौन सा प्रोडक्ट आपके पास है? तो धीमे से कहा कि हम बॉडी शॉपिंग करते हैं। बॉडी शॉपिंग को वो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कहते हैं।
अंग्रेज जैसे हिंदुस्तानियों को पकड़ पकड़ के गुलाम बना के ले जाते थे ना इंडेंचर्ड लेबर की तरह से, वो भी सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट जैसा ही था, वो बॉडी शॉप ही थी। गांधी जी ने उसी के खिलाफ बगावत की थी। आज वो नए स्वरूप में हो रही है बॉडी शॉपिंग। यहाँ से लड़के लड़कियों को थोड़ा बहुत कंप्यूटर सिखा के मार पीट के ले जाते हैं और अमेरिका में खराब से खराब स्थिति में उन्हें रहना पड़ता है। अगर आप देख लेंगे तो आप रो देंगे। मैंने देखा है हिंदुस्तान से गए हुए सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कितनी बुरी पैथेटिक कंडीशन में अमेरिका में रहते हैं। इतनी खराब स्थिति में अमेरिका के मजदूर भी नहीं रहते जो यहाँ के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं। उनको एकदम ऐसे रहना पड़ता है जैसे कैदी रहते हैं। आपने रेल का थ्री टायर का डिब्बा देखा है ना, ऐसी जिंदगी है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर दूसरे के ऊपर सो रहा है, दूसरा तीसरे के ऊपर, तीसरा चौथे के ऊपर, चौथा पांचवे के ऊपर। हॉरिजॉन्टल स्पेस भी नहीं है अपना ब्रीफकेस रखने के लिए। जैसे मजदूरों को रखा जाता है, जैसे कैदियों को रखा जाता है जीवन में, उसने कुछ हिस्से हमारे देश के ऐसे कर दिए जो हमको दिखाई देते हैं क्योंकि हम उन हिस्सों के नजदीक रहते हैं। हमको शेयर मार्केट दिखाई देता है, हमको सॉफ्टवेयर दिखाई देता है, हमको आईटी पार्क दिखाई देते हैं, लेकिन हमें वो गरीब किसान नहीं दिखाई देते जिनकी आमदनी पिछले 15 सालों में 100 गुने से भी कम हो गई। सरकार बोलती है कि हिंदुस्तान में 40 करोड़ लोग हैं जो एक दिन में 12 रुपए खर्च करने की हैसियत नहीं रखते, इस लेवल पे जीते 40 करोड़ लोग। तो इन 40 करोड़ लोगों के लिए ग्लोबलाइजेशन के पास कोई उत्तर नहीं। हमारे हिंदुस्तान में 21 करोड़ परिवार हैं जिनमें से मात्र 14 करोड़ परिवार ऐसे हैं, मात्र 7 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिनके अपने घर में। हमारे इसी हिंदुस्तान में पीने के पानी की समस्या आप भी हल कर सकते हैं ग्लोबलाइजेशन से, कहते हैं जी कोई उत्तर नहीं। ग्लोबलाइजेशन के पास पीने के पानी की समस्या का समाधान नहीं, खाने की रोटी का समाधान नहीं, हिंदुस्तान की माताओं बहनों के लिए टॉयलेट दे सके उसका कोई समाधान नहीं। हमारे देश के 14 करोड़ लोगों के पास ठीक से घर भी नहीं है, वो झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं, उसका कोई समाधान नहीं। किसी अमेरिकन कंपनी के पास इसका समाधान नहीं। तो आखिर हम ये कर किसके लिए रहे हैं? ग्लोबलाइजेशन, हमने इकोनॉमी का फेस चेंज किया 1991 में, किसानों को तो लाभ हुआ नहीं, मजदूरों को उसमें कोई लाभ हुआ नहीं, मजदूरों की संख्या लगातार कम हो रही है, पहले से ज्यादा कठिन परिस्थितियों में उन्हें काम करना पड़ रहा है। अब ग्लोबलाइजेशन का प्रेशर ये है कि हायर एंड फायर की पॉलिसी और ले आओ इस देश में, तो कोई सिक्योरिटी ही ना रहे उनके सामने। और सरकार क्या कर रही है, ग्लोबलाइजेशन के नाम पर अपने हाथ खींचते जा रही है। पिछले 15 साल का बजट अगर आप ध्यान से देखें सरकार का, तो हर साल सरकार ने एग्रीकल्चरल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कम से कम करना शुरू किया, और इस साल तो 91 की तुलना में उनका इन्वेस्टमेंट अब जीरो हो गया है एग्रीकल्चरल सेक्टर में। 91 में अगर सरकार 100 रुपए लगा रही थी एग्रीकल्चरल सेक्टर में, तो इस साल उन्होंने 1 पैसा भी नहीं लगाया, तो एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए पैसा नहीं उनके पास। एजुकेशन में सरकार ने बोल दिया है कि सेल्फ फाइनेंस स्कूल्स चलाओ, कॉलेजेस चलाओ, सरकार की तरफ से कोई फंड्स नहीं आएंगे। आपको मालूम है महाराष्ट्र में 1 लाख स्कूलों को पैसा मिलना बंद हो गया है। उन स्कूलों को कहा गया या तो आप बंद कर दो इन स्कूलों को, नहीं तो आप खुद चलाओ अपनी ताकत से। तो स्कूल वालों के पास कोई विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि वो फीस महंगी करें, फीस बढ़ाएं, और फीस बढ़ाते हैं तो करोड़ों बच्चे स्कूल से बाहर आ जाते हैं क्योंकि उनके माता पिता की ताकत नहीं है उतनी फीस ले सके। एक तरफ सरकार कहती है एजुकेशन फॉर ऑल, दूसरी तरफ एजुकेशन फॉर उन्हीं के लिए जो पैसे दे सके। हमने इस ग्लोबलाइजेशन में क्या किया है, ऐसे कई बड़े स्कूल आ गए हैं इस देश में जो 1 लाख रुपए साल की फीस लेते हैं कक्षा 1 के विद्यार्थियों के लिए, और इसी देश में 12 करोड़ विद्यार्थी कक्षा 1 में जा नहीं सकते क्योंकि उनके पिताजी के पास 30 रुपए भी नहीं है महीने को दे। बिना दवा के भरो, बिना हॉस्पिटल के भरो, तुम्हारे लिए हमारे पास कुछ नहीं। पहले वो जो छोटे छोटे हॉस्पिटल गांव-गांव चलते थे, सरकार अब उन्हें बंद करने जा रही है। अगले साल सरकार की योजना है कि हर प्राइमरी हेल्थ सेंटर और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इस देश में या तो बंद हो जाएगा या किसी बड़े बिजनेस ग्रुप को दे दिया जाएगा। जो गरीब लोगों के लिए होता था कि भैया 10 रुपए में ब्लड टेस्ट भी हो गया, यूरिन टेस्ट भी हो गया, अब वो 10 रुपए का काम खत्म। आप अगर चेस्ट एक्सरे कराएं तो 20-25 रुपए में हो जाता था, अब वो काम खत्म। तो सस्ती कोई सेवा इस देश में नहीं रहेगी, ना
हेल्थ में रहेगी, ना एजुकेशन में रहेगी, ना ट्रांसपोर्टेशन में रहेगी, ना कहीं और रहेगी। तो फिर ये 70 करोड़ लोग क्या करें? तो एक विकल्प तो ये है कि अगर आप बहुत अच्छा ग्लोबलाइजेशन करना चाहते हैं और इकोनॉमी को अमेरिका यूरोप जैसा बनाना चाहते हैं, तो आप इन 70 करोड़ लोगों को जहर देके मार दो। उतनी ताकत मनमोहन सिंह में भी नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले हमारे मनमोहन सिंह यहाँ आए थे, सेवाग्राम आश्रम बन रहा है विदर्भ के किसानों का दुख देखने के लिए, वो भी इसलिए कि कुर्सी हिलना शुरू हो गई। जब तक कुर्सी ना हिले तब तक किसी का दुख समझ में नहीं आता, फिर जब कुर्सी हिलने लगी तो वो आना पड़ा। तो सेवाग्राम आश्रम में उनसे कहा गया कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं इस बात को कि ये जो ग्लोबलाइजेशन है ये अमेरिकनाइजेशन है एग्जैक्टली, और ये हो रहा है भारत के 20-25% लोगों के, तो 75% लोगों को अगर आप में दम है तो जहर लेके मार डालो, या तो इनको मुफ्त के कंबल बंटवा दो उसमें वायरस छोड़ दो, कोई एड से मरेगा, कोई किसी से, एक बार ये मर जाए तो थोड़ा शांति आ जाएगी, फिर आपकी इकोनॉमी बहुत अच्छे से चलेगी ग्लोबलाइजेशन। और जो अगर आप मानते हैं कि ये 75 करोड़ भी जिंदा रहने चाहिए, तो फिर आप सोचो कि इस ग्लोबलाइजेशन में कौन सा स्पेस है इनके लिए जो ये जिंदा रह सकते। आपने जितने कदम उठाए हैं सभी से रोजगार में कमी आई है, और अब मनमोहन सिंह के जो सबसे नजदीकी व्यक्ति है मॉन्टेक से नेहरू वालिया, उन्होंने मान लिया है कि भारत में ग्रोथ हो रहा है लेकिन जॉबलेस। हम इकोनॉमी में उस लेवल पर पहुंच गए हैं जहां जॉबलेस ग्रोथ है। 9%, 10% ग्रोथ रेट हो सकता है लेकिन जॉब्स क्रिएट नहीं हो रहे। पहले जितने जॉब्स थे वो लगातार कम होते जा रहे हैं, और ग्लोबलाइजेशन में आपने क्या किया है, इकोनॉमी को चेंज करने के लिए बाहर से आने वाले हर आइटम पर आपने कस्टम ड्यूटी कट कर दिया। आज का ये अखबार पढ़ो, सीमेंट पर कट कर दिया, पोर्टलैंड सीमेंट में तो जीरो कर दिया कस्टम ड्यूटी, तो हर चीज बाहर से सस्ती आए, तो भारत वाले क्यों बनाए फिर चीजों को? टाटा बिरला डालमिया धीरूभाई अंबानी कल को ये फैसला कर ले कि जब सब कुछ विदेश से आ रहा है और कॉस्ट उसकी कम पड़ रही है क्योंकि टैक्स उस पे कम है, तो हम प्रोडक्शन क्यों करें? बंद कर दो सारे प्रोडक्शन यूनिट, सब कुछ इंपोर्ट करने लगो तो फिर क्या होगा? अगर हम सब कुछ इंपोर्ट करने लगे और सरकार जैसा चाहती है, मनमोहन सिंह बार बार कहते हैं कि मैं भारत का डेवलपमेंट करना चाहता हूं इंपोर्ट ओरिएंटेड, आयात पर आधारित विकास करना चाहता हूं, तो ठीक है एक दिन हम कल्पना करें कि सब कुछ उनका सफल हो जाए और हर चीज इस देश में आयात होने लगे तो प्रोडक्शन बेस का क्या होगा? इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा बढ़ा के प्रोडक्शन बेस को आप संकुचित करते जाएं और इंपोर्ट आप बढ़ाते चले जाएं, तो एक दिन में आप उस स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां 1948 में थे, 1947 में थे, जब सब कुछ इंग्लैंड से ही आता था, इस देश में कुछ नहीं बनता, तो फिर बैक टू द स्क्वायर वन आ जाएंगे 60 साल, और सब कुछ बाहर से ही आएगा तो यहाँ रोजगार खत्म, और रोजगार खत्म तो लोगों की परचेसिंग कैपेसिटी खत्म, तो वो खरीदेंगे क्या? मान लो सब आ भी गया और लोगों के पास पैसे ही नहीं है खरीदने के क्योंकि रोजगार तो है नहीं, तो कहां से खरीदेंगे, क्या बिकेगा? तो अल्टीमेटली कॉलेप्स हो जाएगी ये को, और शायद इकोनॉमी कॉलेप्स हो जाए तो मनमोहन सिंह चिदंबरम जैसे लोग भाग जाएंगे अमेरिका, क्योंकि सबके पास अपना देश है। मनमोहन सिंह तो 15 साल अमेरिका में रहे भी, उनकी तीनों बेटियां अमेरिका में रहती हैं, कहीं सेटल हो जाएंगे। चिदंबरम का बेटा अमेरिका में रहता है, वो वहां सेटल हो जाएगा। इस देश के हर बड़े पॉलिटिशियन का बेटा बेटी या तो यूरोप और अमेरिका में चले जाएंगे, और जिसके नहीं है उनके पास स्विस बैंक अकाउंट है वो स्विट्जरलैंड में सेटल हो जाएंगे। परेशानी तो आपकी है और मेरी है, ना आप जा सकते हैं ना मैं जा सकता हूँ, ना आपके पास स्विस बैंक अकाउंट है ना मेरे पास है, और करोड़ों किसानों की है जो ये देश छोड़ नहीं सकते। हमें सोचना चाहिए इस हिसाब से कि हम 110 करोड़ की आबादी के देश हैं, और 110 करोड़ की आबादी का देश ट्रेडिंग बेस नहीं हो सकता। ये मैं आपसे बहुत गहरी बात कह रहा हूं, 110 करोड़ की आबादी का देश ट्रेडिंग बेस नहीं हो सकता, मैन्युफैक्चरिंग बेस होना ही पड़ेगा। खाली व्यापार से हम जिंदा नहीं रह सकते। हांगकांग जिंदा रह सकता है खाली व्यापार में, सिंगापुर जिंदा रह सकता है खाली व्यापार में, ताइवान जिंदा रह सकता है खाली व्यापार में,
क्योंकि वो सिटी कंट्रीज है। जो छोटे देश होते हैं ना, यूरोप में और अमेरिका के आसपास 56 से ज्यादा देश हैं जो 1 करोड़ से कम आबादी के, यहां 1-1 करोड़ आबादी का 1-1 शहर है हमारा, बंबई, दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता, उनके यहां 1-1 करोड़ से छोटे देश है। फिनलैंड तो मुश्किल से 35 लाख लोगों का देश है, फिनलैंड जहां की ये कंपनी है नोकिया, 35 लाख का देश है। उसका पड़ोसी 70 लाख वाला है, कोई 65 लाख वाला है, कोई 55 लाख वाला है। यूरोप में 2-3 देशों को छोड़कर, ब्रिटेन छोड़ दो, फ्रांस छोड़ दो और थोड़ा बहुत जर्मनी, बाकी तो 1-1.5 करोड़ से नीचे वाले देश है सर। तो जो देश बहुत कम जनसंख्या वाले हैं वो ट्रेड बेस हो सकते हैं, वो व्यापार आधारित हो सकते हैं और उनके लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। लेकिन 110 करोड़ की आबादी का, 140 करोड़ की आबादी का चीन, 110 करोड़ की आबादी का भारत, ये तो ट्रेडिंग बेस नहीं है और वो भी नहीं सकते। और अगर हमने कोशिश की तो डूब जाएंगे। भारत में शॉपिंग मॉल्स का आना भारत को ट्रेड बेस कंट्री बनाने की साजिश का हिस्सा है। और ये जो शॉपिंग मॉल्स आ रहे हैं ना, केयरफोर का आएगा, या आप बोलेंगे जी ये हिंदुस्तान में से खरीदेंगे, उनके पास ऐसी कोई लाइबिलिटी नहीं है कि वो हिंदुस्तान से खरीदें। सरकार ने उनको खुली छूट दे रखी है, जो दुनिया में जहां से उन्हें सस्ते से सस्ता मिलेगा वहां से खरीदेंगे। आपको मालूम है ये शॉपिंग मॉल्स जो अमेरिका के हैं वो अमेरिका की चीजें नहीं खरीद रहे हैं अपने यहाँ। अगर आप वॉलमार्ट की सभी दुकानों में चले जाइए अमेरिका में, तो 35-40% सामान तो चीन का भरा पड़ा है उनके। और उनसे बोलो कि भैया तुम तो अमेरिका में पैदा हुए हो, कुछ तो देशभक्ति दिखाओ, कहते हैं जी यहाँ देशभक्ति नहीं चलती है, यहाँ डॉलर चलता है। चीन से माल सस्ता मिल रहा है तो चीन से खरीद रहे हैं, कल को उनको अफ्रीका से सस्ता मिलेगा, अफ्रीका से खरीदेंगे, कहीं टिम्बक्टू देश में सस्ता मिले वहां से खरीदेंगे। उनके पास ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि वो भारत से ही माल खरीदें। और अब उनको ये भी कंपल्शन नहीं है कि शॉपिंग मॉल्स में नौकरी भारत के लोगों को दें, कोई कंपल्शन नहीं। अगर उनको ये भारत की कमजोरी पता चल गई कि भारतवासियों को गोरे रंग के प्रति कुछ ज्यादा ही प्रेम है, तो वो चुन चुन कर शॉल सेल्स गर्ल्स लाएंगे, जिनकी चमड़ी बहुत बकाबक सफेद होगी उनको बिठाएंगे। तो हमारे यहाँ बहुत सारे लोग तो कुछ भी खरीदने को ना जाए तो तफरी करने तो चले ही जाएंगे, चलो यार शॉपिंग मॉल से, भले कुछ नहीं खरीदे तो कुछ आंख सिकाई तो हो ही जाएगी, देखदार तो लेंगे। इस मानसिकता का अगर उनको अंदाजा लग गया तो वो जरूरी नहीं है कि भारत के लोगों को रोजगार है, वो जरूरी नहीं है कि भारत की चीजों को खरीद कर अपने शॉपिंग मॉल्स में बेचे, वो कहीं की भी चीजें लाएंगे, कहीं से भी बेचेंगे। हो सकता है कि वो ईरान से आलू ला के बेचेगा, हो सकता है अमरीका से कपास ला के बेचे इस देश में, हो सकता है शहद वो लैटिन अमेरिका के किसी देश से लाए, हो सकता है चीनी ब्राजील की हो सकता है चीनी पाकिस्तान की हो। तो वो जरूरी नहीं है कि आपके देश से चीजें खरीद के अपने शॉपिंग मॉल्स में रखें, वो तो ये कहेंगे जहां से भी सस्ते से सस्ता मिले और प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा हो वहीं से खरीदेंगे। तो आपके यहाँ जो थोड़ा बहुत बेचने का भी तंत्र है वो खलास हो जाएगा। इन शॉपिंग मॉल से क्या क्या खत्म होगा, एक तो छोटी दुकानें 2 करोड़ हो जाएंगी। आपको मालूम है भारत के हर राज्य में कृषि उपज मंडी समिति होती है, ये सबसे पहले मरेगी, क्योंकि ये जो कृषि उपज मंडी समिति वाले हैं ये किसानों से अनाज खरीदते हैं और बाजार में बेचते हैं, ये शॉपिंग मॉल्स वाले सीधे विदेशों से अनाज लाकर बेचने लगे। और ये कैसे चलेगा कि ऑस्ट्रेलिया की कंपनियां यहां से गेहूं खरीद के ले जाएंगी, वो फिर शॉपिंग मॉल्स में बिकने के लिए आएगा, यहाँ के किसान से डायरेक्ट वो गेहूं नहीं लेंगे, क्योंकि जिससे लेंगे उसकी बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ती है ना, तो क्यों बढ़ाएं भारत के लोगों की बार्गेनिंग कैपेसिटी। और भारत की सरकार मजबूर होकर सारा गेहूं ऑस्ट्रेलियन कंपनियों को बेचेगी, क्योंकि उनका टाई अप उसी के साथ है, तो वो तो आपकी इकोनॉमी को खत्म कर देंगे 2-4 साल। और इकोनॉमी खत्म हो गई तो वो यहां से दुकान उठा के किसी और देश में ले जाएंगे, उनको क्या फर्क पड़ता है, वो तो घुमंतू जाति के लोग हैं, जहां उनको मुनाफा मिले वहीं ले जाएंगे। और आप फिर कुछ कर भी नहीं पाएंगे उस स्थिति में कि अब तो सब डूब ही गया, अब क्या करें, ऐसी स्थिति हमारी आंखों के सामने। तो मुझे लगता है कि ये जो शॉपिंग मॉल्स का भारत में आना, कोई
दृष्टि से मुझे दिखाई नहीं देता। हाँ ये जरूर है, जैसे आप कभी कल्पना कर सकते हैं कि भाई हमको चॉइस ज्यादा मिलेगी, ब्रांड्स बहुत अवेलेबल होंगे, लेकिन करेंगे क्या आप थोड़े दिन के बाद ब्रांड्स का, जब आपकी परचेसिंग कैपेसिटी ही खत्म हो जाए, क्या खरीदेंगे आप? तो फिर आप एक विकल्प है आपके पास कि जब हमारी परचेसिंग कैपेसिटी बहुत नीचे आ जाए तो अमेरिकन स्टाइल से जीना शुरू कर दो, हर चीज कर्जे पर, टेलीविजन कर्जे पर, रेफ्रिजरेटर कर्जे पर, वॉशिंग मशीन कर्जे पर, फ्लैट कर्जे पर, हर चीज कर्जे पर और मंथली इंस्टॉलमेंट। तो अमेरिकन तो यही कर रहा है ना पिछले 100 साल से, वहां तो आदमी पैदा होता है तो कर्जे में और मरता है तो कर्जा चुका चुका है। और चूंकि कर्जे में डूबे हुए लोग हैं इसलिए कभी कुछ नया नहीं कर सकते और सरकार का विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि जिंदगी उनकी दबी हुई है, इसलिए वहां विद्रोह नहीं होता। तो आप भी अपने लोगों को ऐसा बना दीजिए, और आदत शायद उसकी लगाने की चांस माने हो रही है। मुझे कई बार ऐसा लगता है आजकल इस देश में माइक्रो फाइनेंस भी बहुत बाढ़ आई हुई है, आपने देखा ये सेल्फ हेल्प ग्रुप बन रहा है, इनके पीछे वर्ल्ड बैंक का पैसा है। तो एक बार मैंने वर्ल्ड बैंक के ऑफिसर को पूछा कि भैया तुमको क्या इंटरेस्ट है हमारे गांव की सीधी साधी महिलाओं को इसमें फंसाने का, तो उनका आदत तो ऐसे ही पड़ेगी कर्ज लेने की, महिलाएं आपस में पैसे इकट्ठे करती फिर कर्ज लेती, फिर कर्ज को भरने के लिए 3 साल ज्यादा काम करती, तो प्रेशर इतना बढ़ जाता है उनके ऊपर काम का कि पहले घर में खाना बनाओ, बच्चों को पालो, अब कर्ज की किस्त चुकानी है उसके लिए एक्स्ट्रा वर्क करो। तो मैंने उनसे पूछा कि आप महिलाओं की मदद कर रहे हैं कि उनका सर्वनाश करने पर लगे, तो उनका हम तो उनको कर्ज लेने की आदत डाल रहे हैं, छोटे छोटे कर्ज लेना शुरू कर दिया तो पड़े ले लेंगे, तो चुकाएंगे कैसे, उनका वो हमारी सिर दर्द नहीं है, वो भारत सरकार का सिर दर्द। तो आप में आदत डाल दें छोटे छोटे कर्जे की, जिस देश में कर्ज लेना पाप माना जाता हो उस देश के लोगों को आप आदत लगा दीजिए कि हर काम कर्जे से करो तो डूब गया। जिस देश में सबसे बड़े अर्थशास्त्री ने यह समझाया हो चाणक्य ने कि आपके पांव जितने लंबे हैं चादर उतनी ही रखिए, उस देश को आप ये सिखा दो देयर इज नो लिमिट, स्काई इज द लिमिट, 10 करोड़ ले लो, 20 करोड़ ले लो, 50 करोड़ ले लो। और मेरे तो समझ में नहीं आता घर की घंटी बजा बजा के देने आ रहे हैं हम आईसीआईसीआई से आ रहे हैं, कर्ज लेना है आपको, क्यों मेहरबानी कर रहे हैं मेरे ऊपर ये, हम HDFC से आए हैं, कर्ज लेना है आपको, पूछो क्यों मेहरबानी कर रहे हो ये भैया, हम पहले साहूकार के पास जाते थे 10 बार वापस कर देता था नहीं देंगे कर्ज, अब यहाँ साहूकार घर के सामने खड़ा है, कुछ तो इसके पीछे चल रहा है कैलकुलेशन, ये कोई ऐसे ही नहीं हो रहा, ये बहुत कैलकुलेटेड खेल चल रहा है कि आपके देश में कुछ विदेशी बैंकों को, इंश्योरेंस कंपनियों को और ऐसी चीजों को भेज भेज के घर के सामने लोन उपलब्ध है, कार की चाबी पकड़ो और लोन की किस्त देते रहो, और अंत में कैलकुलेशन करो तो मार्केट रेट से 3 गुना 4 गुना महंगा पड़ता है, किस्त पे कोई भी चीज खरीदो, स्कूटर हो या मोटरसाइकिल, कार हो या घर, और जिंदगी उसमें नरक होती रहती है, टेंशन अलग पड़ता है, मेंटल स्ट्रेस अलग पड़ता है, स्ट्रेस बढ़े तो डायबिटीज होती है, डायबिटीज हो तो फिर डॉक्टर का चक्कर, और डायबिटीज के बाद नपुंसकता भी आ सकती है, ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है, पैरालिसिस भी हो सकता है, और फिर जयराम जी की भी हो सकती है। ये है सारा दुष्चक्र, इस दुष्चक्र में हम जाए खुशी से बहुत अच्छा है, सोच समझ के जाएं, कैलकुलेशन से जाएं, तब तो शायद इस देश में से कुछ रास्ता निकल आए, बिना सोचे समझे अंधे कुएं में छलांग लगाएं, ये बहुत मूर्खता है। हमारे देश की सरकार को जब भी इस तरह की बातें मैं करता हूं, आपने सोच लिया है शॉपिंग मॉल्स के आने के 5 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा, 15 साल बाद क्या होगा, वो कहते हैं जी सोचना क्या है, जो होगा वो सामने आ जाएगा। तो इसका उल्टा सोचो कि जो ला रहे हैं शॉपिंग मॉल्स वो 50 साल की सोच कर आ रहे हैं, उनके पास पूरी प्लानिंग है अगले 50 साल की कि हम अगले 50 साल में क्या करेंगे भारत में और क्या करेंगे पाकिस्तान में, क्या करेंगे इंडोनेशिया मलेशिया, तो वो 50 साल की प्लानिंग लेके आए, हमारे पास अगले 1 साल की भी प्लानिंग नहीं है और अंधे कुएं में कूदने को तैयार है सिर्फ एक व्यक्ति के कहने पर जिसका अपना इंटेलेक्चुअलिटी भी दांव पे लगा है, मनमोहन सिंह। जब ये व्यक्ति फाइनेंस मिनिस्टर नहीं था तो गांधी जी की बात करता था, स्वदेशी स्वावलंबन,
जितनी किताबें लिखी हैं मनमोहन सिंह ने, आप कोई भी पढ़ लीजिए, स्वदेशी स्वावलंबन। और जब से ये आदमी फाइनेंशियल मिनिस्टर हुआ, ये अमेरिका के ही गुणगान गाता रहता हमेशा, और हर अमेरिकन कंपनी का भारत आना लेजिटिमेट सिद्ध करता रहता। तो करेक्टर में कहीं तो प्रॉब्लम है। प्रोफेसर के रूप में जब ये आदमी पढ़ाता है दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, तो स्वदेशी स्वावलंबन का सिद्धांत पढ़ाता है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल वो कहता है, मेरी आदर्श किताब है। और एज ए फाइनेंस मिनिस्टर जब ये काम करता है और एज ए प्राइम मिनिस्टर, तो बिग इज ब्यूटीफुल हो जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े कॉर्पोरेशन, बड़े बड़े प्रोजेक्ट। तो अभी पार्लियामेंट में भी लोगों ने चर्चा करना शुरू किया है कि हो ना हो ये आदमी कुछ फिशिंग है। और फिशिंग लोग कोई ऐसे नहीं होते जिनके सींग निकले होते हैं, तो हमारे आपके जैसे ही होते हैं, डबल क्रॉस करने वाले भी ऐसे ही होते हैं। हो सकता है थोड़े दिन के बाद ये आदमी हिंदुस्तान को बाय बाय कहे कि मैंने जैसा करना था वैसा कर दिया, अब आपको नमस्ते, क्योंकि उसको करना था IMF और वर्ल्ड बैंक के कहने पर वो कर रहा है बिना सोचे समझे इस देश में। अब वो कह रहा है कि रूपी को फुल कन्वर्टेबल कर देंगे। और मैंने ये जो दो चार नाम लिए ना, जिम्बाब्वे का नाम लिया, इंडोनेशिया, ये सब कन्वर्टेबिलिटी में ही बोलते हैं। 1 लाख करेंसी $1 के बराबर हो गई जिम्बाब्वे में। 3 साल पहले उन्होंने जिम्बाब्वे में फुल कन्वर्टेबिलिटी लाया था। इंडोनेशिया में हमारी आंखों के सामने 6-7 साल पहले फुल कन्वर्टेबिलिटी लाया, तो 19,000 इंडोनेशियन रुपया $1 में आ गया। भारत में भी यही चर्चा चल रही है कि फुल कन्वर्टेबिलिटी कर देंगे, किस तरीके से इकोनॉमी को चलाने की बात हो रही, बिना ब्रेक की गाड़ी सरपट दौड़ रही, और बिना सोचे समझे इतना अंधाधुंध कर्ज ले रखा है, इतना कर्ज ले रखा है कि एक एक राज्य का दम निकल रहा है ब्याज भर में। आपको मालूम है महाराष्ट्र राज्य पर 1 लाख करोड़ से ऊपर का कर्ज हो चुका है। अब महाराष्ट्र सरकार की जो टोटल इनकम है उसका 50% कर्जे के ब्याज में ही जा रहा है, और बचा हुआ 50% पगार देने में खर्च हो रहा है। अब ये महाराष्ट्र में विकास हो तो कैसे हो? तो जो भी कुछ छोटा मोटा करो, नया कर्ज लाओ, यही हालत देश की जो महाराष्ट्र की। तो अब हम इसमें से तय करें कि हमको करना क्या। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम ये तय कर लें अपने देश के स्तर पर, आपके स्तर पर नहीं, मेरे स्तर पर नहीं, पूरा देश मिलकर ये तय कर ले कि जी हमको तो अमेरिका जैसा होना है, पूरा देश ये तय कर, तो मैं भी पूरी ताकत से इस देश को अमेरिका बनाने में लग जाऊंगा। गांव गांव जाकर मैं व्याख्यान दूंगा कि भैया अमेरिका जैसे हो जाओ, भारतीयता छोड़, इस अमेरिका की तरह से ही जीना पड़ो। अगर पूरा देश ये तय करता है कि हमको अमेरिका जैसा होना है, तो ठीक है हम अमेरिकन हो जाए। तो सब कुछ सेंट्रलाइज करना पड़ेगा, सब कुछ सेंट्रलाइज करना, छोटी से लेकर बड़ी तक हर चीज डिसेंट्रलाइज, यहां कुछ नहीं चलेगा। शॉपिंग मॉल्स भी बनाने पड़ेंगे, बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स भी खोलने पड़ेंगे, फिर हिंदुस्तान को उसी तरह से रीशेप करना पड़ेगा जैसे अमेरिका में है। इकोनॉमी को तो करना ही पड़ेगा कम से कम, और इकोनॉमी सोसाइटी से कोई अलग नहीं होती है, तो सोसाइटी को रीशेप करना पड़ेगा। जिस मेंटल स्ट्रेस में एवरेज अमेरिकन और यूरोपियन रहता है, उस मेंटल स्ट्रेस में हिंदुस्तानी को सिखाना पड़ेगा कि इतने स्ट्रेस में तुम भी रहो। वहां न्यूक्लियर फैमिली है, सिंगल फैमिली, तो जैसे वो रहते, तुम रहो, माता पिता को छोड़ो, मौसा मौसी को छोड़ो, फूफा फूफी को छोड़ो, अकेले रहो, और अकेले रहो तो उसका टेंशन ले लो, छोटे बच्चे हैं तो क्रेश में देके आओ, कौन खिलाएगा आपके बच्चों को, घर प्रेस करानी है तो जाओ 50 मील काम दौड़ा के, दूध लाना है तो हफ्ते भर का एक साथ लेके आओ, ताजा दूध क्यों पीते, और अमेरिकन जीवन शैली में आओ तो खाना रोज क्यों बनाओ, हफ्ते भर का बनाओ, फ्रीजर में भर के रखो, रोज गर्म करके खाओ। तो या तो हम पूरे उनके जैसे हो जाएं, मेरा ये मानना है कि आधे अधूरे में काम गड़बड़ होता है, आधे हम हिंदुस्तानी हैं, आधे अमेरिकन हैं, तो खिचड़ी हो जाती है, इसमें से रास्ते नहीं निकलते। या तो पूरे अमेरिकन हो जाए, यूरोपियन हो जाए, उसमें कोई बुराई नहीं है, या तो शुद्ध हिंदुस्तानी और भारतीय रहे, ये बीच की खिचड़ी नहीं चलेगी कि 10-15% हिंदुस्तान को अमेरिकन स्टाइल में जिए और 70-80% हिंदुस्तान गरीबी में रहे, तो फिर आपको वर्ग संघर्ष झेलना ही पड़ेगा और आतंकवाद और उग्रवाद बढ़ता ही जाएगा। आप ये कल्पना करके हमेशा सुरक्षित किसानों को समझ में आ गया तो पूरे नागपुर को लूट ले जाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे उनका।
ना कोई पुलिस काम आएगी ना आर्मी आपको कुछ करेगी। पिछले 15 साल में ग्लोबलाइजेशन में जो सबसे खतरनाक चीज हुई है कि अमीर इतने अमीर हो गए हैं और गरीब इतने गरीब हो गए हैं, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 10,000 गुने से ज्यादा बढ़ गया है। सबसे गरीब आदमी और सबसे अमीर आदमी के बीच में 10,000 गुने का अंतर आया पिछले 15 साल। हम इस देश में ऐसे भी लोगों को देख रहे हैं जो एक दिन में 70,000-80,000 दिन में नहीं कमा पाते और उसी में अपनी जिंदगी चलाने के लिए अभिशप्त है। तो समाज में दो वर्ग अगर आपने बना दिए, एक हैव नॉट्स का और एक हैव्स का, तो संघर्ष होना अवश्यंभावी है। उसमें कोई लॉ नहीं चलता है, कोई ऑर्डर नहीं चलता है, कोई आर्मी काम नहीं करती है, कोई मिलिट्री काम नहीं करती है। नक्सलिज्म और उग्रवाद इस देश में जो बढ़ रहा है उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है वो ये। आसाम में इतने ज्यादा नक्सलवादी क्यों खूंखार हो रहे हैं? वो कहते हैं जी 60 साल गुरुगढ़ जैसे शहरों में सब सुविधाएं, ये कैसे चलने वाला है? तो बंदूक चला रहे हैं, गोली चला रहे हैं, गांव वालों को भी सिखा रहे हैं, गांव वाले उनका साथ दे रहे हैं और पुलिस को पीछे डिफेंसिव होकर हटना पड़ रहा है। अब तो चीफ मिनिस्टर भी सरेंडर कर चुका है नक्सलवादियों के सामने आसाम। तो अगर आप इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को मेंटेन नहीं रख सकते, अगर उसको बढ़ने ही देंगे तो थोड़े दिन में कॉलेप्स हो जाएगा, सारा सिस्टम कॉलेप्स। और अगर इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को आप कम करना चाहते हैं, ब्रिज करना चाहते हैं, तो आपको शायद इकोनॉमी का वो फेस देखना पड़ेगा जिससे भारत के सबसे अंतिम व्यक्ति को कोई लाभ होगा। गांधी जी को मैं अपना गुरु मानता हूँ, मार्गदर्शक, उसका यही कारण है। उन्होंने एक ऐसा सूत्र दे दिया जो हमेशा हमारे लिए राइडर का काम करता है। गांधी जी बोल कर गए कि दुनिया में कोई भी काम करो तो सबसे पहले आंखों के सामने उस सबसे गरीब आदमी का चेहरा देखो कि तुम्हारे काम से उसको कुछ फायदा होने वाला है तो करना, और ऐसा लगता है कि उससे उसको कोई फायदा नहीं तो कभी मत करना। और ये उन्होंने मुझे नहीं कहा था, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को कहा। नेहरू जी ने जब गांधी जी को पूछा कि मैं क्या करूं इस देश में अर्थव्यवस्था के स्तर पर, तो एक ही उत्तर दिया था कि भारत के सबसे गरीब आदमी का चेहरा देखकर पॉलिसी बनाओ, उसको कुछ फायदा होता है तो करो, नहीं होता है तो छोड़। ये बहुत गहरी बात वो बोलकर चले गए। आज भी हमें यही देखना है कि शॉपिंग मॉल्स को सामने रखें, सबसे गरीब आदमी को इसमें घुसने के लिए भी जगह है क्या? हमारा भिखारी, रिक्शा चलाने वाला, ऑटो चलाने वाला, तेल मालिश करने वाला, बाल काटने वाला, गांव का रहने वाला साधारण आदमी शॉपिंग मॉल में घुस सकता है, कुछ खरीदी कर सकता है तो जरूर करेगा। और अगर वो नहीं कर पाता है तो फिर ये 10-20 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए शॉपिंग मॉल बना दें और 70-80 करोड़ को खाने पीने को भी ना मिले तो ज्यादा दिन ये शॉपिंग मॉल टिके के लिए इनको कोई बम ब्लास्ट करके उड़ाएगा और इनको लूट कर ले जाएगा। कोई सिक्योरिटी कभी नहीं बचा सकती किसी भी देश को अगर उसके लोग एक बार तय कर लें कि हमें यही करना है। क्या आर्मी, क्या एयरफोर्स, क्या नेवल फोर्स। आर्मी है कितनी, मुश्किल से 55 लाख कुल मिला और भारत के लोग 110 करोड़, कहां कंट्रोल होगा? पुलिस की व्यवस्था कितनी है, भारत में 10,000 लोगों पे एक पुलिस है, कैसे मेंटेन करेगा? 10,000 लोग हैं, एक पुलिस वाला है, क्या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर लेगा? तो हम थोड़ा रियलिटी की दुनिया में आए और अपने शहर से थोड़ा दूर निकलकर गांव की दुनिया को देखें तो समझ में आएगा कि शॉपिंग मॉल की क्या उपयोगिता है। मैं जो कि भारत में घूमता हूँ, गांव गांव जाता हूँ, 50% से ज्यादा समय मेरा गाँव में बीतता है, तो मुझे लगता है कि इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। उपयोगिता हो सकती है तो किसी और चीज की, वो ये कि ये छोटी छोटी दुकानें जो चल रही है 2 करोड़, इनकी संख्या बढ़ाएं, इनको थोड़ा एफिशिएंट कर लें, थोड़ी खराब दिखती है तो अच्छी कर लें, उनकी कोई स्पेशल ट्रेनिंग कर दो दुकान चलाने वालों की, देखो भैया अभी तुमको ट्रेनिंग दी जाएगी, तुम थोड़े बेहतर तरीके से साफ सुथरे कपड़े पहनकर बैठो, साफ सुथरे तरीके से बातचीत करना शुरू कर लो, प्रेजेंटेशन करना सीख लो, तुम्हारी चीज कैसे प्रेजेंट की जाती है वो सीख लो, कुछ खराब उस पर कवर है तो कवर अच्छा चढ़ा लो। ये तो मेरे समझ में आता है कि 2 करोड़ दुकानदारों को कोई स्पेशलाइज ट्रेनिंग देके आप थोड़ा अच्छा बना दे, उनकी दुकानें भी सुंदर दिखने लगे, शोकेस भी उनके थोड़े सुंदर हो जाए, 2 करोड़ से 3 करोड़ कर दें। लेकिन ये समझ में नहीं आता कि 2 करोड़ को बिल्कुल साफ कर दें और उसकी जगह 2,000 शॉपिंग मॉल्स खड़े करें।
अभी एक आखिरी बात कहते मैं खत्म करता हूँ। मैं थोड़े दिन पहले पूना में था, तो पूना में आजकल बहुत शॉपिंग मॉल्स खुले, तो एक शॉपिंग मॉल में मैं गया जो अभी हाल में खुला है। मैंने उनसे पूछा, भाई एक दिन में बिजली कितनी जलाते हो, एक दिन में पानी कितना खर्च करते, तो उन्होंने कुछ कैलकुलेशन बताया। मैंने पैरेलल कैलकुलेशन किया कि पूना का एक शॉपिंग मॉल 24 घंटे में जितनी बिजली जलाता है उतना पूना में 2000 घरों में जलती है। एक शॉपिंग मॉल 24 घंटे में इतनी बिजली जलाती है। तो मैंने कहा, भाई इतनी बिजली क्यों जला रहे हो? तो उनका, क्या करें, हमारा डिजाइन ही ऐसा है कि सूरज की धूप नहीं आती। मैंने कहा, महामूर्ख, जिस देश में सूरज फोकट में मिलता हो, सूरज की धूप फोकट में मिलती हो, तुमने डिजाइन ऐसा किया क्योंकि इसमें सूरज की धूप ही ना आए। ये मूर्खता कोई अमेरिका वाला करे, यूरोप वाला करे तो समझ में आता है, क्योंकि 8 महीने सूरज निकलता ही नहीं है उनके देश में। यहां रोज सूरज निकल रहा है, एवरी डे संडे। जिस हिंदुस्तान में, वहां ऐसा डिजाइन कर लिया शॉपिंग मॉल की अगर बिजली नहीं जलाए तो अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा, तब तो तुम नाश मार दोगे इस पुना का, क्योंकि एक शॉपिंग मॉल 2000 घरों की बिजली जलाने लगे तो बाकी 2000 घरों का क्या होगा? सरकार क्या कहेगी, पहले बिजली शॉपिंग मॉल को देंगे क्योंकि ये 10 रुपए यूनिट दे रहा है, घर वाला 3.5 रुपए यूनिट नहीं दे रहा, उसको बिजली मिलेगी नहीं। तो संविधान ने तो सबको बराबर के अधिकार दिए हैं सुविधाओं का उपयोग करने के लिए, तो शॉपिंग मॉल वाला बिजली जलाता रहे और 3000 घर वाले अंधेरे में बैठे हैं। तो मैंने कहा, ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा, पत्थर से ही तोड़ देंगे तुम्हारे शॉपिंग मॉल को किसी ने। राजीव भाई, आप ये बात बताने मत जाना किसी को कि हम इतनी बिजली जला रहे हैं कि 2000 घरों में जलती। मैंने कहा, मैं तो बताऊंगा, मेरा मुंह कैसे रोकोगे, तो मैं तो इसी काम के लिए पैदा हुआ। और एक शॉपिंग मॉल इतनी बिजली जला रहा है, 17 शॉपिंग मॉल पुणे में खुल चुके हैं, उनकी कुल बिजली अगर आप कैलकुलेट करें तो 17 में 2000 का गुणा, 34,000 फैमिलीज की बिजली शॉपिंग मॉल जला रहे। फिर मैंने पूछा, पानी कितना खर्च कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा, पूना का एक आदमी जितना खर्च करता उससे 300 गुना ज्यादा। पूना का एक आदमी एक दिन में जितना पानी खर्च करता है उससे 300 गुना ज्यादा का खर्च शॉपिंग मॉल में है। तो पानी कहां से लाओगे? बारिश का ही पानी है, इसके अलावा तो पानी नहीं। पूना के आसपास के किसानों को जिस दिन पता चल गया कि उनका पानी तुम खा रहे हो तो वो तुम्हारे पत्थर मार मार के हालत खराब कर देंगे। पानी का खर्च ज्यादा, बिजली का खर्च ज्यादा, दोनों ही वो पैदा करने की स्थिति में नहीं है। मैंने कहा, पानी अपना खुद बना लो। कहते, बनता ही नहीं, कितना भी H2 और O2 मिला वो पानी बनता ही नहीं। हाइड्रोजन का सिलेंडर और ऑक्सीजन का सिलेंडर एक दूसरे में मिक्स कर दो तो भी पानी नहीं बनता। पढ़ाने को फालतू है, 2H2 + O2 = 2H2O जिंदगी में होता ही नहीं है। पानी तो बारिश से ही आता है और वो भी नपा तुला आता है, और बारिश भी लगातार कम हो रही है, पीने के पानी की जरूरतें बढ़ रही है। और मुझे तो सबसे ज्यादा तकलीफ ये होती है कि पुणे, मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों में कुछ लोग जितना पानी अपने फ्लश में गिरा देते हैं उतने में हिंदुस्तान में 5 लाख हेक्टेयर खेती में चावल लगता है। जितना पानी एक बार हम यूरिनल में जाके पुश बटन करके गिरा देते हैं शहर में रहने वाले लोग, उतने में 5 लाख हेक्टेयर में चावल पैदा होता है। एवरेज एक आदमी नागपुर में, पुणे में, मुंबई में, दिल्ली में, मद्रास में, सारे बड़े शहरों में एक दिन में 300 लीटर पानी फ्लश टॉयलेट में खत्म कर देता है। पीने में तो मुश्किल से 10 लीटर भी खर्च नहीं करता, फ्लश में 300 लीटर खर्च कर देता। ये हमने टेक्नोलॉजी लाई है यूरोप से। इससे अच्छे तो वो आदिवासी है जो मुश्किल से 200-250 ग्राम पानी लोटा में लेके जाते हैं और रोज अपना निपट के आ जाते हैं। अकल वाले तो हैं, हम मूर्खाधिपति, PhD, डॉक्टरेट, पता नहीं क्या क्या सब किए हुए, एक बार टॉयलेट रूम में गए तो पानी इतना गिराते हैं कि दिन भर में 300 लीटर उसी में चला जाता और वो रीयूज नहीं होता। ये याद रखिए। अभी यूरोप वालों को समझ में आया कि ये फ्लश सिस्टम तो बिल्कुल उल्टा पड़ गया, तो लंदन में फ्लश के पानी को रीयूज किया जा रहा है और हर करोड़पति को उसी से नहाना पड़ रहा है। आपको मालूम है लंदन के सारे करोड़पति जिस पानी से नहाते हैं उनका फ्लश टॉयलेट का पानी है, और सरकार बोल के कहती है कि अब हमारे पास इसके अलावा दूसरी कोई व्यवस्था नहीं है, नहाना है तो नहाओ नहीं तो लंदन छोड़ के चले जाओ।
मुझे डर लगता है किसी दिन ये ना हो जाए हिंदुस्तान में ये शॉपिंग मॉल्स के आने के बाद, क्योंकि वो पानी की जरूरत ज्यादा है, उनको बिजली की जरूरत ज्यादा है, सब कुछ उनकी जरूरत है ज्यादा है, आम आदमी को कुछ मिले नहीं उनके लिए, तो ये बैलेंस टूट जाएगा इस देश का। बिजली है नहीं महाराष्ट्र सरकार के पास, सरकार बोलती है कि 3 साल तक 1 मेगावाट बिजली भी हम जोड़ नहीं पाएंगे, सारी बिजली शॉपिंग मॉल्स को ही चली गई, तो फिर किसानों को आम आदमी को क्या होने वाला है, बहुत तकलीफ आएगी। तो अब आप बोलेंगे जी हम क्या करें, आप इस पर चिंतन करो, आप कहते हो कि आप इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग हो तो चिंतन करो और कोई एक ऑल्टरनेट बनाओ प्लान, कोई एक वैकल्पिक व्यवस्था बनाओ, क्योंकि जब भी हम ये बात करते हैं ना पॉलिटिशियन से वो कन्विंस हो जाते हैं, वो कहते हैं बात तो आपकी सब सही है लेकिन अल्टरनेट बताओ कुछ, तो मैं आपसे कहने आया आप अल्टरनेट बनाओ। हिंदुस्तान का बेस्ट ब्रेन है चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट होना इस देश में आईसीएस होने से ज्यादा मुश्किल है, आईसीएस होना बहुत आसान है, मैं आपको बता देता हूँ, 4 किताबें बता देता हूँ, ठीक से पढ़ लो, 10 साल के अनसॉल्व पेपर ले लो और आप आईसीएस पास कर लोगे, ये गारंटी से मैं बताऊं। आईसीएस होना बहुत आसान है, आईपीएस होना उससे भी ज्यादा आसान है, आईएफएस होना और भी आसान है, चार्टर्ड अकाउंटेंट होना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि मैंने देखा है चार्टर्ड अकाउंटेंट लोगों को पढ़ाई करते हुए दिमाग खराब हो जाता है, 5 साल 6 साल 7 साल जिंदगी जो है कचू पर निकल जाए। तो इतना अच्छा ब्रेन और आपका ही ब्रेन है जिसको मल्टीनेशनल हायर करते हैं, 10-20-50 हजार या लाख रुपए महीने पे आप उनके लिए काम करते हैं और बेस्ट प्लानिंग बना के देते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप 1-1.5 लाख रुपए में उनके लिए काम करें तो देश के लिए क्यों नहीं काम कर सकते। तो आप कहेंगे जी देश पैसा थोड़ी देगा, लेकिन देश आपको सम्मान तो देगा, सम्मान तो पैसे से बड़ा होता है ना, हर व्यक्ति जिसके पास बहुत पैसा है मैं उसको पूछूंगा क्या चाहिए, तो कहता है सम्मान चाहिए, तो मैंने कहा वो तो बिना पैसे में मिलता है, उसके लिए पैसा कमाने की जरूरत नहीं है, आप समाज के लिए काम करने लगो, देश के लिए काम करने लगो, इतना सम्मान मिलेगा। आप बोलोगे जी पानी चाहिए तो लोग दूध पिलाएंगे, आप बोलोगे दूध चाहिए तो बासुंदी खिलाएंगे, आप कहेंगे कि मुझे जाने के लिए कार चाहिए तो आपके लिए चार्टर्ड प्लेन देने के लाते, कुछ आप काम तो करो देश के लिए। इस देश में सम्मान उन सबको मिलेगा जो काम देश के लिए करे, तो आप देश के लिए एक अल्टरनेट प्लानिंग करो। मेरा तो ये कहना है कि ये जो मनमोहन सिंह की प्लानिंग है इसके पैरेलल एक प्लानिंग करो कि इस देश में मनमोहन सिंह कहता है कि 10% का ग्रोथ रेट हम लाएंगे, तो आप एक ऐसी प्लानिंग करके दो कि 10% का ग्रोथ रेट हम भी ला सकते हैं दूसरे तरीके से, जिसमें भारत भी बचा रहे, भारतीयता भी बची रहे, भारत के किसान भी बचे रहे, आगे बढ़े, भारत के उद्योग भी चलते रहे, छोटे व्यापारी छोटे लोग मरे नहीं और आगे बढ़े, तो भी हम 10% ग्रोथ रेट ला सकते हैं, इसमें आपका ब्रेन लगे और ये कोई ड्राफ्टिंग आप करो तो मैं पूरे देश में लाउड स्पीकर की तरह से उसको बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि देखो नागपुर के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने ये प्लान किया है पूरे देश की इकोनॉमी के, आप थोड़ी हिम्मत करो एक अल्टरनेट बजट बनाओ, चिदंबरम का एक बजट हमारा दूसरा बजट है, ये अल्टरनेट बजट, आप उनकी जो टैक्स प्लानिंग है ना उससे पैरेलल आपकी टैक्स प्लानिंग बनाओ, और ये सब हम कर सकते हैं, इसमें कुछ मुश्किल नहीं, थोड़ा ब्रेन को आप स्टॉर्म करेंगे, ब्रेन स्टॉर्मिंग 2-4 सेशन करेंगे तो एक अल्टरनेट प्लान इकोनॉमी के लिए, बजट के लिए, सब कुछ हम बना सकते हैं, वो देश के सामने हम प्रेजेंट करेंगे, देखो ये अल्टरनेट है। मनमोहन सिंह कई बार क्या झूठ बोलता है, देयर इज नो अल्टरनेट बोलता है, यही रास्ते पे चलना है, भले कुएं में गिर कहता यही अल्टरनेट है, ही नहीं कोई अल्टरनेट मेरे पास, तो आप जवाब तो दो कि हाँ देयर इज अल्टरनेट है, टैक्स स्ट्रक्चर ऐसा हो सकता है, प्लानिंग ऐसी हो सकती है तो भी ग्रोथ रेट आपका कम नहीं होगा, ऐसा एक अल्टरनेट हम बनाए, मैं भी आपके साथ थोड़ी बहुत उसमें मदद कर सकता हूँ, ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ी बहुत कर सकता हूँ, हम सब मिलकर एक बड़ा ड्राफ्ट कर सकते हैं, पूरे देश के सामने उसका प्रेजेंटेशन हो सकता है, जैसे उदाहरण के लिए हम हिंदुस्तान को रीशेप करें, सॉरी इकोनॉमी को रीडिजाइन करें, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट कि सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को मर्ज कर दें, एक छोटा सा सुझाव मान लीजिए, पूरे इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम मर्ज करते हैं, सिंगल
पॉइंट टैक्स कर, उसका कुछ नाम रख दें, ट्रांजेक्शन टैक्स या एक्स वाई टैक्स, फिर आप देखो इकोनॉमी कैसी। अभी इनडायरेक्ट टैक्स 64 है, सबको मर्ज कर दो, वन पॉइंट टैक्स कर। दूसरा, मेरी बहुत पहले की प्लानिंग है कि इनकम टैक्स को 10 साल के लिए सस्पेंड कर दो, या 20 साल के लिए सस्पेंड कर दो, या हटाई तो इनकम टैक्स को क्या जरूरत है, इनकम को टैक्स करना, इससे ज्यादा मूर्खता क्या होगी। सोचो ना, किसी को आप रोक रहे हो कि तू मत कमा, यही तो हुआ ना। तो इनकम को क्यों टैक्स करना, एक्सपेंडिचर को टैक्स कर दो, या सारे टैक्सेस को मर्ज करके सिंगल पॉइंट टैक्स कर दो। तो जैसे ही आपके सारे टैक्सेस खत्म होके एक टैक्स हुआ, आप देखो इस देश में ग्रोथ रेट तो 25-30% पहुंच जाएगा, क्योंकि सारा का सारा धन जो इधर उधर छुपा पड़ा है, डेड इन्वेस्टमेंट है, वो सब पाइपलाइन में आ जाएगा। आपको किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं है। रोज हमारे प्रधानमंत्री गाना गाते हैं, एफडीआई चाहिए, एफडीआई चाहिए, एफडीआई। ये गाना कुछ इस तरह का है कि किसी मरीज के शरीर में खून नहीं बन रहा है, बाहर से बोतल पे बोतल चढ़ाते जाओ, चढ़ाते जाओ, चढ़ाते जाओ, कितने दिन चढ़ाओगे बाहर के खून से, किस मरीज को कितने दिन जिंदा रखोगे। अगर उसका शरीर खून नहीं बना रहा है तो सोचो कि इसमें कहां प्रॉब्लम है। हमारी इकोनॉमी में पैसा नहीं पैदा हो रहा है और हमें विदेशी पूंजी के लिए बार बार भागना पड़ रहा है, तो इकोनॉमी में कहां रुकावट है कि पूंजी जनरेट नहीं हो रही। वो रुकावट दूर कर दो, पूंजी बनने लगेगी, तो ये भीख मांगना बंद हो जाएगा। और मुझे लगता है कि भारत की इकोनॉमी में सबसे बड़ी रुकावट है वो टैक्स सिस्टम में है। इतना कॉम्प्लिकेटेड टैक्स सिस्टम जो भारत का है, दुनिया में शायद किसी देश का नहीं। जो जो देशों ने टैक्स सिस्टम सिंप्लीफाई किया है वो सब बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं हमारी आंखों के सामने। हम भी टैक्स सिस्टम को सिंप्लीफाई करें, बहुत आराम से ये होगा। दूसरा, भारत से जो काला धन बाहर जा रहा है ब्लैक मनी के रूप में स्विस बैंकों में, इसको वापस मंगा दें, रास्ते बंद कर दें काले धन के ले जाने के। एक ही रास्ता, इनकम टैक्स खत्म कर दो, धन काला रहेगा ही नहीं तो बाहर जाएगा ही। जिसके पास जितना पैसा है, या तो वो मार्केट में लगाएगा, धंधे बढ़ाएगा, उत्पादन बढ़ाएगा, व्यापार बढ़ाएगा, नहीं तो मजा करेगा, तो खर्च करेगा, तो भी पैसा इकोनॉमी में आएगा, और नहीं तो जमा करेगा, तो बैंकों के पास आएगा, बैंक उस पैसे को देश के लिए उपयोग कर लेगी। तो ये इंटरनलाइजेशन होगा इकोनॉमी का। और अंग्रेजों के जमाने के बनाए हुए टैक्स के कानून, इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1860 का अभी भी चल रहा है, एक्साइज ड्यूटी अंग्रेजों के जमाने की अभी भी चल रही है। ये इतने पुराने कानून चलाने की कोई जरूरत नहीं है, बदल दो। विदेशी कंपनियों के लिए रात दिन नए नए कानून बन रहे हैं, लेकिन अंग्रेजों के बनाए हुए सारे कानून अभी भी चल रहे हैं। तो आपके लॉज और रेगुलेशंस में लिबरलाइजेशन करो, इंटरनल लिबरलाइजेशन करो, टैक्स सिस्टम को मर्ज करके सिंगल पॉइंट कर दो, फिर आप देखो इस देश की इकोनॉमी खुद पैसा पैदा करने लगेगी। एक आध कोई और काम हो सकता है, 1000 रुपए का नोट हमने चला दिया, इसको बंद कर दो, 100 रुपए से ऊपर का कोई नोट नहीं होगा इस देश की इकोनॉमी। आप जानते हैं अमेरिका कितनी लिबरलाइज इकोनॉमी है, फिर भी उनके पास $100 से ऊपर का नोट नहीं। क्यों नहीं, सोच समझ के उन्होंने रखा है। वो कहते हैं नोट जितने बड़े होते हैं ब्लैक मनी उतनी ज्यादा, तो नोट छोटे कर दो। मैं तो कहता हूँ 100 रुपए का भी क्यों, 50 रुपए का कर दो। तो इस तरह के बहुत सारे काम हम कर सकते हैं। और एक्साइज ड्यूटी आप कम करो, कस्टम ड्यूटी मत करो कम। इंटरनल इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है तो एक्साइज ड्यूटी कम करो, कस्टम ड्यूटी कम करके तो सत्यानाश हो जाएगा इंडस्ट्रीज का। तो इस तरह के कुछ काम करके एक ऑल्टरनेटिव मॉडल हम पूरे देश के सामने रखते तो सामान्य लोगों को पता चलेगा कि यस देयर इज ए ऑल्टरनेट, ये ऑल्टरनेट है। तो इसका माने मनमोहन सिंह झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है तो लोग फिर उसका समाधान कर लेंगे कि क्या करना है इस आदमी का। दो तीन साल में इलेक्शन आ रहा है तो वो कर लेंगे अपना हिसाब किताब, तो ये आदमी हमें नहीं चाहिए जो इतना झूठ बोलता है। देयर इज नो ऑल्टरनेट, कितने ऑल्टरनेट है इस देश में। तो ऐसा कुछ अगर हम करें तो बहुत अच्छा होगा। और चलते चलते एक छोटी सी बात की, अगर आप मानते हैं कि आपको अमेरिकन हो जाना चाहिए तो हो जाइए, उसमें कोई तकलीफ की बात नहीं, लेकिन पूरे हो जाइए, आधे अधूरे नहीं। जैसे आजकल मैं देखता हूँ ना, पिताजी का नाम राम दयाल, माता जी का नाम गायत्री देवी, बेटा जो है टिंकू। तो टिंकू के हिसाब से राम दयाल और गायत्री देवी को बदल दीजिए,
और या राम दयाल और गायत्री देवी को टिंकू बदल लेना चाहिए, ये खिचड़ी मत करिए, आगे अमेरिकन आते हिंदुस्तान। आप अगर अमेरिकन होते तो ईमानदारी से हो जाइए और फिर अपेक्षा मत करिए कि बीवी आपको गरम गरम रोटी बना के दे, क्योंकि अमेरिका को कोई बना के नहीं देती। और ये भी अपेक्षा मत करिए कि वो आपके प्रति विश्वास पात्र रहे, क्योंकि अमेरिका में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स नॉर्मल है। वो एक फ्राइडे को किसी के साथ जाती है, दूसरे फ्राइडे को किसी और के साथ जाती है। आपको मालूम है अमेरिका में बोलते हैं 3 W का कोई भरोसा नहीं, वाइफ, वेदर, मौसम का कोई भरोसा नहीं है, पत्नी का भी भरोसा नहीं, और तीसरा है वेल्थ। कल करोड़पति थे, आज करोड़पति हो जाएंगे। तो आप भी भारत में मान लीजिए, पत्नी का भरोसा नहीं है, बच्चों का भी नहीं। बच्चे आपको चांटा मार दें तो उसमें अफसोस मत करिए, क्योंकि अमेरिका के बच्चे माँ बाप को पीटते रहते हैं, गोली भी मार देते हैं। हाँ, आपको मालूम है गोली मार देते हैं पिताजी, क्योंकि पिस्तौल वहां पर ऐसे मिलती है जैसे खिलौने मिलते हैं। पिस्तौल को किसी भी दुकान में से कोई भी खरीद सकता है, खिलौने जैसे खरीदता है। पिताजी से थोड़ा बड़बड़ हुई, निकाला, शूट कर दी। अमेरिका की जेलों में सबसे ज्यादा बच्चे ही बंद है। फिर आप तैयार रहिए, सबसे ज्यादा रेप केसेस अमेरिका में है, तो यहाँ भी होंगे। मोलेस्टेशन सबसे ज्यादा अमेरिका में होता है, यहाँ भी होगा। अमेरिका में प्रति 1,000 व्यक्ति पर एक पुलिस है, तब भी हाईएस्ट क्राइम अमेरिका में है। भारत में 10,000 लोगों पर एक पुलिस है, तभी भी लोएस्ट क्राइम भारत में है। तो इसको रिवर्स कर दीजिए, हाईएस्ट क्राइम हो इस देश में। आप घर से बाहर निकले, कोई भी आपको चाकू मार के कुछ भी छीन के ले जाए, तो आप उस पर रोइएगा ये मत, क्योंकि अमेरिका है। आपके 2 बच्चे हैं, लड़की है और लड़का है, 15-17 साल की उम्र में एक दूसरे से शारीरिक संबंध बना ले, तो रोइएगा ये मत, क्योंकि अमेरिका में भाई बहन संबंध बना लेते हैं। वो टीचर के साथ भी बना लेते हैं, स्टूडेंट्स और टीचर के फिजिकल रिलेशंस हैं। और फिर आप रक्षाबंधन छोड़ दीजिए, वैलेंटाइन डे शुरू कर दीजिए। अमेरिकन होना है ना, तो रक्षाबंधन तो छोड़ना ही पड़ेगा, वैलेंटाइन डे में ही जाना पड़ेगा। और अमेरिका जैसा होना है तो पत्नी को मिडी पहनाइए, स्कर्ट पहनाइए, साड़ी में पहनने का आग्रह क्यों, क्योंकि अमेरिका यूरोप में सभी महिलाएं स्कर्ट पहनती हैं। आप भी करिए। ये नहीं चलेगा कि पति तो 3-पीस सूट और टाई पहने और पत्नी साड़ी में आए, ये आधा भैया अमेरिका का आधा हिंदुस्तान का कैसे चलने वाले। पत्नी को भी स्कर्ट पहनाइए जो आप 3-पीस सूट और टाई में आते हैं। तो सब लेवल पे चेंज करके खान पान बदलना पड़ेगा, आपको रहन सहन बदलना पड़ेगा, आचरण बदलने पड़ेंगे, क्योंकि इकोनॉमी जो होता है ना वो अकेला नहीं होता, पूरे सोसाइटी का हिस्सा होता है। इकोनॉमी एक समाज का छोटा सा हिस्सा है इकोनॉमी। तो अमेरिकन सोसाइटी जैसी आप भारत में सोसाइटी बनाइए, यूरोपियन सोसाइटी जैसी भारत में सोसाइटी बनाइए, जहां कहीं आत्मीयता ना हो, कहीं प्रेम ना हो, कहीं दया ना हो, कहीं करुणा हो। अमेरिका में हंसी भी नकली होती है, एयरपोर्ट पे आप उतरेंगे ना तो वहीं से शुरू हो जाएगा। हंसना भी नकली है और हाथ मिलाना भी नकली है, तो नकली हंसी आप भी सीख लीजिए। आत्मीयता कहीं नहीं मिलेगी आपको अमेरिका और यूरोप में, खरीदने से भी नहीं मिलेगी, और भारत में फोकट में ही मिलती है। कोई आदमी आपको जानता नहीं है फिर भी नमस्ते करके निकल जाएगा मुस्कुराते हुए, आपको भी सुख दे जाएगा, खुद भी सुख ले जाएगा। ये अमेरिका यूरोप में कोई कल्पना नहीं कर सकता। तो टोटल चेंज करिए, या तो रहन सहन, खान पान, आदतें, आचरण, व्यवहार, परंपरा, मान्यता सब बदलिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप साबुन बदल लें और बाकी सब वही रखें, वो ऐसा नहीं होने वाला। साबुन आएगा अगर अमेरिका से, तो साबुन के साथ सब कुछ आएगा। आप ये चाहें कि भाई नूडल्स को हम उन्हीं का खाएंगे, लेकिन चटनी अपनी हिंदुस्तान की रहेगी, तो ये नहीं होने वाला। नूडल्स आएगा तो अपने साथ बहुत कुछ लेके आएगा। नूडल्स खा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि सुअर का मांस भी खाएं, क्योंकि अमेरिका के सभी नूडल्स सुअर के मांस से बनते हैं, इंक्लूडिंग मैगी। मैगी में सुअर के मांस का रस है। और आप कहें कि हम तो कट्टर शाकाहारी है फिर भी मैगी खाते रहे, तो ये नहीं चलने वाला। तो सब बदलना पड़ेगा, और अगर आप नहीं बदल सकते सब कुछ तो फिर हिंदुस्तानी हो जाइए। बीच में मत लटकिए, त्रिशंकु मत बनिए, मेरी ऐसी मान्यता है। पूरी ताकत से या तो अमेरिकन यूरोपियन हो जाए, नहीं तो पूरी ताकत से भारतीय हो जाए। बीच का कोई भी हिस्सा लटक गए तो दुख ही दुख देगा, तकलीफ ही तकलीफ देगा। तो शॉपिंग मॉल्स बनाने हैं तो जरूर बनाइए, लेकिन अमेरिकन इकोनॉमी लाइए फिर इस देश में।
अमेरिका की सरकार सब लोगों की सिक्योरिटी करती है, आपको मालूम है सोशल सिक्योरिटी पे सबसे ज्यादा खर्चा है, तो इस हिंदुस्तान में सोशल सिक्योरिटी पे सबसे ज्यादा खर्च करा लीजिए, मैं शॉपिंग मॉल को पूरा सपोर्ट करूंगा। और अगर यहाँ सोशल सिक्योरिटी नहीं हो सकती तो फिर शॉपिंग मॉल मत लगे। ये कहकर मैं खत्म करता हूँ मेरे व्याख्यान को। आपके कुछ प्रश्न हो तो उनका कोशिश करूंगा, कोई सजेशन हो तो आप जरूर मुझे दीजिए, और आपके पास कुछ सब्सटेंशियल है मुझे देने के लिए तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत ही सुचारू सुंदर और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के साथ आपने आज का विषय याद प्रस्तुत किया। निश्चित रूप से हम सब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आपने जो है बात रखी है उसमें चिंतन करेंगे, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। किसी के कोई प्रश्न हो या पे स्वागत है, दीक्षित जी को उत्तर देना चाहेंगे। हम लोग लेके सर ऐसा है सर, हम हाथ हिलाते कहेंगे, वो लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फ्लैश प्रेजेंटेशन लेके आते हैं, डेटा लेके आते हैं। तो जो मिनिस्टर्स है वो भी इंसान है, तो वो लोग भी थोड़ा सा मंत्र मुग्ध हो जाते हैं कि बात और मजबूर हो जाते हैं, ठीक है भाई आप लोग आएंगे। तो इंडियन कंपनीज या इंडियन एनजीओ या ओवरऑल इंडियन इकोनॉमिस्ट जो है वो लोग क्या कर रहे हैं इस तरफ? इनका प्रश्न बहुत अच्छा है और इसका जवाब मैं आपको देता हूँ कि ये भारत के जो अर्थशास्त्री है और भारत में जो लोग अच्छा प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, दोनों ही लोग हैं, कमी नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य से वो सब मल्टीनेशनल में काम कर रहे हैं। उनके मन में जो थोड़ी बहुत लॉयल्टी थी वो भी खत्म हो गई। इस देश में ऐसे बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं जो मल्टीनेशनल के प्रेमों पर चले गए पिछले 15 साल, बहुत अच्छे प्रेजेंटर हैं इस देश में जो मल्टीनेशनल में चले। तो भारत की कंपनियों को बेसिकली अपने ऑफिस के स्टाफ से ही वो सब करा रहे हैं, ये एक समस्या है। लेकिन इससे ज्यादा बड़ी दूसरी बात है जो हमें जानने की जरूरत है कि हमारे भारत में बैठे हुए जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो उनसे इंप्रेस हो जाते हैं कि नहीं है, उनके पैसे से इंप्रेस हो जाते हैं। कोई भी मल्टीनेशनल आता है तो उनको एक ऑफर कर देता है कि भैया देखो मेरा प्रोजेक्ट 1000 करोड़ का है, 10% आपका, ये खुले आम चल रहा है। अब वो 10% में तय हो जाता है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन को कितना और जो पावर में है उसको कितना। आपको मालूम है आजकल करप्शन में बंटवारा लीडर ऑफ द अपोजिशन का भी है हर जगह, क्योंकि जो कर रहा है मंत्री वो जानता है कि इस अपोजिशन वाले को नहीं मिला तो संसद में हंगामा करेगा या विधानसभा में करेगा। तो लीडर ऑफ द अपोजिशन का भी हिस्सा फिक्स है और जो सरकार है उनका भी हिस्सा फिक्स है, तो उसके पैसे में वोट फंसे हैं, उनसे कोई इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो इसलिए नहीं कि इनका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है या वो पैसा उनका जो है इतना जोरदार है। और सभी मल्टीनेशनल जो भारत में आते हैं वो ये मान के चलते हैं कि जो भ्रष्टाचार में हम खर्च करेंगे वो हमारा इनिशियल बिल्ड अप कैपिटल है, वो मान के चलते हैं। एनरॉन का कहानी आप सब जानते हैं, उसने पूरे देश को नहीं बताया, दूसरे सभी कंपनियों की कहानी ऐसी। यहाँ पर भारत की कंपनियां कुछ कमजोर पड़ती हैं क्योंकि उनके प्रॉफिट मार्जिन एक तो इतने बड़े नहीं है, स्केल इतना बड़ा नहीं है। कोई एक अमेरिकन कंपनी आ रही है जो 50 देशों में बिजनेस कर रही है, हमारी एक कंपनी है जो एक शहर में या एक गांव में काम कर रही है। तो हमेशा ये जो दो ऐसे लोगों के बीच में कॉम्पिटिशन है जो किसी भी स्तर में समान नहीं है, और कॉम्पिटिशन कभी भी करना चाहिए तो दो समान लोगों में होता है, कोई 19 है कोई 20 है तो कॉम्पिटिशन होगा, कोई एक है और दूसरा 20 है तो कॉम्पिटिशन नहीं होगा। बेन जॉनसन है और बेन जॉनसन दूसरा है तो दोनों कॉम्पीट करेंगे, लेकिन एक बेन जॉनसन है और एक लंगड़ा लड़का है जिसका एक पाँव गोलियों में बर्बाद हो गया, वो बेन जॉनसन के साथ अगर स्प्रिंट में दौड़े तो कितनी मार है। तो कॉम्पिटिशन के नाम पर हम क्या कर रहे हैं, अनपैरेलल्ड या जिनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला है उनको कॉम्पीट करा रहे हैं उनके साथ जिनको सारी फैसिलिटीज हैं। अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन की एक बात करें, इसमें कोई भी
भी मल्टीनेशनल आएगा उसको कभी टैक्स नहीं भरना, कल्पना करिए। नागपुर के पास एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनता है, उसमें सारी कंपनियां हैं जिनको कोई टैक्स नहीं भरना, और नागपुर शहर में जो भी चलेंगे उनको 64 तरह के टैक्स देने हैं। अब बताइए कैसे कॉम्पिटिशन होगा। तो हर एक कोई चाहेगा कि उसकी फैक्ट्री और स्पेशल इकोनॉमिक जोन में चली जाए, लेकिन वहां स्पेस लिमिटेड है, तो ये बाहर रहेंगे कुछ अंदर रहेंगे, तो ये तो पिट जाने वाले हैं जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बाहर रहेंगे। ये कितना खतरनाक कॉन्सेप्ट है, जरा सोचिए कि अगर मान लीजिए 300 स्पेशल इकोनॉमिक जोन इस देश में बन गए, 300 बड़े शहरों में बन गए, तो जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बाहर की इंडस्ट्रीज है वो तो 2-3 साल में चट जाएंगी, क्योंकि सरकार की ये कहना है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कुछ भी टैक्स नहीं लगेगा, और इतने से भी आगे बढ़ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिस कंपनी ने बनाया वो उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन तय करेगी, इंडियन पार्लियामेंट उसमें इंटरफियर नहीं करेगी। इसका मतलब क्या है, भारत की जमीन पर आपने अमेरिका खड़ा कर दिया। मान लीजिए वॉलमार्ट ने एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना लिया, तो वॉलमार्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भी फॉलो नहीं करेगी, पार्लियामेंट को भी फॉलो नहीं करेगी। कितना खतरनाक कॉन्सेप्ट है, और सारी दुनिया में 400 है, अकेले भारत में 300 होने जा रहे हैं। सोचिए ना, भारत में ही इतनी नजर क्यों लगी है उनकी, इसलिए कि यहाँ के किसानों की जमीन बहुत सस्ते भाव में जबरदस्ती खरीदी जा सकती है, क्योंकि सरकार अंग्रेजों की तरह से काम करती है इस देश। अंग्रेज जमीन छीन लेते थे, एक अंग्रेज अधिकारी था उसका नाम था डलहौजी, उसने लैंड एक्विजिशन एक्ट लाया और मार मार के सारी जमीन उसने किसानों से छीन कर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। अब वही काम मनमोहन सिंह कर रहे हैं या विलासराव देशमुख कर रहे हैं, कि किसानों से जमीनें छीन रहे हैं, डंडा मार रहे हैं, लाठी चला रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, किसान मर रहे हैं, और वो जमीनें कौड़ी के भाव में विदेशी कंपनियों को या भारत की कंपनियों को बेची जा रही है। अब कोर्ट इसमें हस्तक्षेप ना करे उसके लिए इन नेताओं ने कितनी चालाकी की है कि लैंड एक्विजिशन को 9th शेड्यूल में डाल रखा है, जिसमें कोई पिटीशन भी एडमिट नहीं हो सकती। कितनी चालाकी की है कि लैंड एक्विजिशन का पूरा मामला हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 9th शेड्यूल में है, और 9th शेड्यूल के बारे में ये स्पष्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट को रोक लेता है। श्रीमती इंदिरा गांधी को किसी हिंदुस्तानी आदमी ने रगड़ कर दिया। इंदिरा गांधी के बारे में कहा जाता था कि उनकी कुर्सी को कोई हिला नहीं सकता, इस देश के लाखों नागरिकों ने उनकी जमानत जब्त करा दी थी, और इंदिरा गांधी को माफी मांगनी पड़ी थी लोगों से कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने इमरजेंसी लगाई थी। माफी मांगी, लिखित माफी मांगी संसद से, और मौखिक पूरे देश तब लोगों ने दोबारा स्वीकार किया। तो इस देश की जनता में ताकत तो है, बशर्ते कि कोई उसको सूचना दे। 1975 में जयप्रकाश नारायण निकले, अपना घर बार सब छोड़कर लोगों को मोबिलाइज कर दिया, लोग खड़े हो गए, फिर कोई निकलेगा, फिर लोग मोबिलाइज हो जाएंगे, फिर खड़े हो गए। इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचे, सूचनाएं पहुंचे, बहुत सारी चीजें तो हमें भी खुद नहीं मालूम है। बहुत लोग नहीं जानते कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन को इंपोर्ट किया, इसका माने देश के अंदर देश बना दिया आपने। कितनी खतरनाक स्थिति है सोचिए, देश के अंदर एक दूसरा देश तैयार होता है, और कल को अमेरिका हमारे खिलाफ बमबारी करे, कल्पना करो, तो पूरा स्पेशल इकोनॉमिक जोन अमेरिका के साथ। ये फार्मूला तो ज्यादा शिक्षित लोग हैं या एक लिमिट से ज्यादा जो अमीर लोग हैं उन तक ही सीमित है, जो उससे नीचे के तबके के लोग हैं उनको उस ज्ञान का भी पता नहीं है। मैं कुछ जैसा मुझे मैं समझता हूँ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करानी है, तो मुझे समझने के लिए उस फार्मूले को समझने के लिए 50 से कई चक्कर लगाने पड़ते हैं। या सामान्य वर्ग जो है जिसे अपन ऐसा कह सकते हैं कि निम्न वर्ग या मिडिल से जो निम्न है उससे जो वो लोग हैं उनको उस चीज के बारे में जानकारी नहीं है, तो जो धंधा है ये जैसा प्राइवेट लिमिटेड का या लिमिटेड का जो धंधा है उस जो संगठित होकर जो काम करने का जो तरीका है उसको एक जो छोटा तबका है वो किस तरीके से संगठित होकर कार्य कर सकता है उसके बारे में कैसे कर सकते हैं। छोटे लोगों को छोटी छोटी बातें संगठित करते हैं, छोटे छोटे, देखो तुम्हारा नमक भी अंग्रेजों ने छीन लिया, जो तुम पे मुफ्त
पत्र मिलता था, कम पैसे में मिलता था, उस पर भी टैक्स लगा दिया, तो लोगों के दिल में आग लग गई, वो छोटी सी बात और पूरा देश जल गया। तो ऐसी ही कुछ छोटी छोटी बातें लोगों को हम समझाने लगे हैं तो फिर उनमें आग लग सकती है और फिर देश को वो हिला सकती है। सरल सरल बातें, छोटी छोटी बातें लोगों के पास लेके जाए। जैसे हम लोगों ने कुछ प्रयास किया, पेप्सी को के बारे में हमने एक कैंपेन चलाया, उसमें इक्विलिब्रियम हमने डेवलप किया, ठंडा मतलब टॉयलेट की। आज वो इतना पॉपुलर हो गया है कि वो स्वामी रामदेव से लेके और एक्स वाई जेड तक सब जानते हैं ठंडा मतलब टॉयलेट की। ये इक्विलिब्रियम 98 में डेवलप हुआ, पूना में डेवलप हुआ, और मैं और एनसीएल के तीन साइंटिस्ट ने मिलकर ये तय किया था कि ये टॉयलेट क्लीन है। एनसीएल ने एक टेस्ट कराया था पेप्सी कोक का, तो पीएच उसका 2.4 आया, तो तुरंत मुंह से निकला है ये तो टॉयलेट क्लीन है, क्योंकि टॉयलेट क्लीन का पीएच 2.4 ही होता है। तो दो तीन लोगों के बीच से निकली हुई बात अब 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के जबान पर आ गई, और उसका परिणाम है कि पेप्सी कोक का सेल पूरी तरह से डाउन हो गया। आप अपने नागपुर में ही देख सकते, इस नागपुर में संतरे का रस मौसमी तो बहुत बड़ा काम कर सकता है। उसको ये कह के देखो भैया, अमेरिका भारत पे चढ़कर आ रहा है, जैसे इंग्लैंड आया था, इंग्लैंड एक कंपनी लेके आया था कि हजारों कंपनी को लेके आ रहे हैं अमेरिका, अब तुम क्या करोगे? तो उनको कहो कि अमरीकी कंपनी का मांस मत खरीदो, तो पूछे का पता नहीं हुआ। थोड़ी देर पहले कह रहा था ना, किसानों को इकट्ठा करके ये बड़ा काम कर सकते हैं जिसमें सरकार ना आए, तो ये इंटरनल लिबरलाइजेशन की तरफ बहुत बड़ा कदम हो सकता है। तो ये बहुत अच्छे से हो सकता है, किसानों को एक साथ हम लाए, कारीगरों को एक साथ लाए, जितने कारीगर हैं जिस देश में, कोई मिट्टी का काम करता है, कोई कटाई बुनाई करता है, कोई लोहे का काम करता है, कोई लकड़ी का काम करता है, 35 तरह के कारीगर हैं इस देश में, तो इन कारीगरों को साथ लेके कोई जोन्स बन सकते हैं, किसानों को लेकर बन सकते हैं, तो ये संभव है। और एक ऑल्टरनेटिव इकोनॉमी की दिशा में हम इसमें बढ़ सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है। As compared to 91 में मनमोहन सिंह ने जो शुरू किया था, और उसके तुलना में लगभग 25%, मनमोहन सिंह हमसे 75% आगे हैं, हम 25% ही कर पाए। लेकिन ये जो 25% है, इसको अगले 2-3 साल में हम बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो ऐसे करने वाले हैं कि अभी तक हम जो काम कर रहे थे उसमें मैं और मेरे जैसे 3-4 लोग होते थे, लेकिन अभी हमारे पास कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी फौज है, कम से कम 14,000 राजीव दीक्षित इस देश में तैयार होने की स्थिति में है, 12 राज्यों, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, ऐसे 12 राज्यों में। पहले ये छोटे से गाँव से शुरू हुआ था काम, अब तो बहुत बड़ा फैल गया, और बहुत जल्दी हम एक टीवी चैनल शुरू करने जा रहे हैं 24 घंटे का, जिसमें सरकार की हर नीति की पोल खोलेंगे, और किसान के सामने ऐसी परेशानी खड़ी करने को जरूर है झल रहा है। आप जानते हैं छोटे छोटे न्यूज चैनल कोई कोई एक स्टोरी लिया हुआ है, तो एबीसीडी से लेकर एक्स वाई जेड तक दुनिया के किस किस देश में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बने हैं, वहां किन कंडीशंस में बने हैं, उसके बाद परिणाम क्या आए हैं, अब भारत में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन रहे हैं, किन कंडीशंस में बन रहे हैं, क्या परिणाम आएंगे, हमें हार और जीत होगी कि कौन स्पेशल इकोनॉमिक जोन को सपोर्ट कर रहा है, कौन विरोध कर रहा है, कौन शॉपिंग मॉल के सपोर्ट में है, कौन उसके विरोध में है, कौन पेप्सी कोक के सपोर्ट में है, कौन उसके विरोध में है। इस लेवल पे चुनाव आ जाएगा तो एजुकेशन इतना हो जाएगा, तो फिर पार्टियों की मजबूरी हो जाएगी कि वो अपना एजेंडा अगर फिक्स करें जो लोगों की डिमांड नहीं, तो वो नहीं मिलेगा। और ये ताकत अब हमारी बढ़ गई है, इसलिए कि पहले हम अकेले थे, मैंने आपसे कहा, अभी 70 संगठन इस काम में हमारे साथ, और हमने एक कोलिशन बनाया है, सरकार कोलिशन बनाती है सरकार के लिए, हम कोलिशन बना रहे हैं इस ग्लोबलाइजेशन को रिवर्स करने, लिबरलाइजेशन को रिवर्स करने। तो हमारा मानना है कि लोग सत्ता के लिए कोलिशन बना सकते हैं तो हम समाज के लिए तो बन जाते हैं, और भारत में धर्म की इतनी मान्यता है कि वो महाराज जी ने कहा, इसका मान्य पत्थर की लकीर, राजीव दीक्षित कहे तो इस पर
कन्वर्ट हो सकते हैं, तर्क वितर्क हो सकते हैं। महाराज जी ने कह दिया आप तो सवाल ही नहीं है, पीना ही नहीं। तो धर्म का ताकत है, उसका सदुपयोग हम इस काम में अब करने जा रहे हैं। तो अगले 3 साल में आपको बोल के जाता हूँ, 2009 में आप देखेंगे कि इस देश में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, जो अब तक नहीं हो पाया पिछले कुछ सालों में वो अगले 3-4 साल में होगा, ऐसा भरोसा है। बिना बताए महिलाओं पर उसका टेस्ट किया गया, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में महिलाओं को दिया गया कॉन्ट्रासेप्टिव, ये बोलकर कि ये कुछ भी नहीं है, आयरन की गोली है, खाते रहो खाते रहो खाते रहो। परिणाम ये हुआ जितनी महिलाओं ने खाया 90% को सर्विक्स का कैंसर हो गया उस कॉन्ट्रासेप्टिव से। जब बात खुली तो उस अमेरिकन कंपनी ने स्वीकार किया कि यस हमने ये टेस्ट किया, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमिशन से किया। उस पर केस फाइल हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, सरकार को जवाब देना है, लेकिन सरकार ने ये जो एक एक्सेप्शनल केस था इसको अब जनरल कर दिया कि कोई भी कंपनी अब ये कर सकेगी। तो मेरी अब आपको हाथ जोड़कर विनती है कि आज के बाद आप बीमारी से नहीं डॉक्टर से बचें, क्योंकि पता नहीं वो डॉक्टर आपके ऊपर क्या टेस्ट करे, बताएगा नहीं आपको। छोटे से लेकर बड़े से बड़े रोग का इलाज वहां होता है, जैसे सर्दी खांसी जुकाम है, इसकी दवा है जिंदाबाद उपयोग करें उसमें, तो हल्दी है, चूना है, धनिया है, पत्ता गोभी है, फूल गोभी है। चिंतन करने वाले